नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दें, मैं लाइव आ चुका हूं। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए, महाकाल का नाम लेकर एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर करिए सेशन को। फिर आज एकदम धुआंधार क्लास होगी, कंप्यूटर के एमएस ऑफिस सूट का खात्मा होगा। तो जो भी बच्चे जेसीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जेसीए ने आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, जो आप सोच रहे थे कि हाँ कहीं अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, वो आपके सितंबर में 26-27 को एग्जाम डेट देके आप लोगों को एकदम आश्चर्यचकित कर दिया है। तो आपको इसमें क्या करना है कि एक स्ट्रेटेजी अपनाना है और उसी स्ट्रेटेजी से आपको तैयारी करना है कि जो कंप्यूटर है, क्योंकि यहां कंप्यूटर को इंडिविजुअल पास करना भी जरूरी है और उतना जरूरी जितना जेसीए वालों के लिए है उतना ही यूपीपीसीएल वालों के लिए है। तो एक बार सभी लोग सेशन को जरूर शेयर करिए। अमीशा जी गुड इवनिंग, मिस्टर नायक सर कंप्यूटर मस्त करा दो, उसके लिए निश्चिंत रहो, पूरे एएसआई वालों से पूछ लेना, रिपोर्ट एकदम सही मिलेगी। दीपक जी बोल रहे हैं सपने में भी कोई नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज मिलेगा। यस गुरुजी शास्त्रीय काल, सत्यावती जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, हितेंद्र जी नमस्कार, सभी का स्वागत है, सभी लोगों का। एक बार सभी लोग एक जोरदार तरीके से शेयर करिए। प्रियंका जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, इतने बच्चे जुड़े हैं कोर्स में, फिर सीरियसनेस क्यों नहीं है भाई आपके अंदर। आप लोगों के लिए टीम जिस दिन से पता चला तुरंत आ गई है कि भैया आपकी क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। तो क्लास स्टार्ट किया जा रहा है और आज की क्लास से मैं बता रहा हूं कि आपके एमएस ऑफिस के जितने प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे। जितना मैंने एएसआई में कराया था, पूछना सभी बच्चों से कि कैसा रहा था पेपर, ठीक है। वो 1000 एमसीक्यू अगर वो देख के गए थे तो उनका पूरा का पूरा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो महाकाल का नाम लो एक बार सब लोग शेयर करो। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आंसर कमेंट करिए क्या सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर, इसमें से सबसे बेस्ट तरीका क्या है एमएस वर्ड को डिस्क्राइब करने का, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को सबसे अच्छा वर्णन करेगा, ठीक है। महादेव का नाम लो, नैया पार हो जाएगी, कितना भी समस्या हो स्ट्रेटजी अपनाओ अच्छी कि इस 25 क्वेश्चन में मुझे किसी हालत में 23 प्लस करना है। क्या करना है, 23 प्लस करना, और इंग्लिश में कितना करना है आपको, कम से कम जो 50 क्वेश्चन है 46 प्लस करना है इसमें इंग्लिश में, यही दिलाएगा सिलेक्शन। चलो बहुत बढ़िया, सब बोल रहे हैं वर्ड प्रोसेसर होगा, एकदम जाहिर सी बात। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो आपके हार्डवेयर के साथ, जैसे माउस है तो माउस के अंदर उसका सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, उसको कैसे फंक्शन करता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं, जो हार्डवेयर के साथ होते हैं एम्बेडेड होते हैं इसको फर्मवेयर कहते हैं। तो यहां इसका क्या होगा, GUI होगा, सॉरी वर्ड प्रोसेसर होगा। GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडोज है, ये सभी आपके क्या है, ग्राफिकल है। हाँ रोम हुआ, यहां देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है, और क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है, कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, लोडर हो गया, लिंकर हो गया, सब किसके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है। एमएस एक्सेल का ये प्रश्न है आपका कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर एमएस एक्सेल का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है किसी में तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सब डिवाइड का है, तो जब इक्वल प्रायोरिटी होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन, लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर करो। हाँ इंग्लिश जीएस एप्टीट्यूड मिलाकर एक कटअप बनेगी, कंप्यूटर की अलग कटअप क्लियर करनी पड़ेगी, फिर ओवरऑल दोनों मिक्स की जाएगी। शेयर करो बिना बोले, एक क्लास पढ़ लो और तेजी से आंसर भी बताओ। 64 होगा, अंकुर भीम बता रहे हैं डी, सी आंसर वागीश जी बता रहे हैं, और सभी लोग नोट करते रहना कितना सही कर रहे हो आज। 4 बता रहे हैं आयुष जी, सी आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों के सी आ रहे हैं, कुछ लोग 64 पे जा रहे हैं,
256 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 त्रिके 24 और 8 दुनी 16, 32 आएगा। 32 डिवाइडेड बाई फिर 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 8 32 8, फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 4। तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, 4 आएगा भाई। ऐसे डिवाइड करते चलेंगे, एकदम 4 वाले एकदम सही होते हैं, सी वालों को मिलता है हमारे तरफ से इनाम कि सबका सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज्ड एडिट एस सेल ऑन एमएस एक्सेल। ये मैंने आपको पढ़ाया है और क्वेश्चन भी कराया है कि अगर एक्सेल का सेल है, इस सेल को अगर एडिट मोड में करना है तो हम फंक्शन के किस की से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आयुष, शुभम, सचिन, राहुल, सिमरन, शुभम, सचिन, अवनाश, अंकुर, प्रदुमन, सचिन, शिव, सब एक ही रिपीट हो रहा है। तो F2 फंक्शन की क्या किस लिए होता है भाई, F7 किस लिए होता है, स्पेलिंग के लिए होता है, ग्रामेटिकल के लिए होता है, और F2 किसके लिए होता है आपका, F2 जो होता है वो एडिट के लिए होता है। सी आंसर एकदम जबरदस्त तरीके से सही आंसर है आप सभी का, सी आंसर एकदम सही है। ठीक है, एंकर सेल के लिए होता है, एंकर सेल के लिए आपका क्या होता है, F4 होता है। अगला आ जाओ, एमएस एक्सेल वर्कबुक मस्ट कंटेन, जो वर्कबुक होता है आपका खुला होता है, एटलीस्ट कितने वर्कशीट, कम से कम कितना वर्कशीट कंटेन कर सकती, कम से कम बोला है, कम से कम कितना वर्कशीट कंटेन कर सकती है। नहीं, 3 वर्कशीट तो बाय डिफॉल्ट होता है, आयुष लैंग्वेज पे जाना, मस्ट कंटेन एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम। हां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। एक होगा, कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा इसका आंसर, बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं। ठीक है, आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। इन एमएस वर्ड अ टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलिलाइज एंड बोल्ड, इटैलिक हो सकता है, मतलब कैन नॉट बी बोथ इटैलिक और बोल्ड नहीं हो सकता है। इन एमएस वर्ड अ टेक्स्ट कैन नॉट बी फॉन्ट साइज लेस देन 8, बोल रहा है कि फॉन्ट साइज किसी भी फॉन्ट का 8 से कम नहीं हो सकता, ऐसा होता है क्या, जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम कहें बात तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन विवादित तरीके पर जाएगा, मतलब कि कुछ इसमें अलग होगा, क्यों, क्योंकि अगर जो आपका ड्रॉप डाउन वाला होता फॉर्मेट, जो कमांड ग्रुप है आपका फॉन्ट का, उसमें जब आप फॉन्ट में जाओगे तो मिनिमम जो आता है आपका 8 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 72 होता है, जो ये ड्रॉप डाउन वाला होता है। ठीक है, लेकिन आप मैनुअली उसको, एक फॉन्ट साइज हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है, मिनिमम एक साइज हो सकता है फॉन्ट का, तो यहां बोला है 8 से लेस देन 8 नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, हम करेंगे तो, लेकिन जब अगर हम उस हिसाब से मांगेंगे तो कहेंगे नीदर नॉर, ना तो पहला ना तो दूसरा, लेकिन हमें इसको सोचना ऐसा है कि जो फॉर्मेटिंग टाइप का होता है उसमें कि 8 से कम जो है नहीं जाता है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका सेकंड सही हो जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आयोग ने इसका आंसर माना था ओनली सेकंड, क्योंकि इसने ये बताया नहीं, क्लियर नहीं किया कि वो फॉन्ट साइज क्या है, यहां वाला है, ड्रॉप डाउन वाला है या मैनुअली है, तो हम इतना मान के चलेंगे जो हमें दिखता है 8 और 72 उससे कम नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्चुअली हो सकता है, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, बोथ रॉन्ग, आंसर एकदम सही होगा, इस पे ऑब्जेक्शन भी, दिल्ली पुलिस का ये क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC के द्वारा जो कराया जाता है, गलत नहीं हो कोई भी, लेकिन मेरे हिसाब से ये विवादित है, इस पर मार्क मिलना चाहिए सबको। चलो, आयोग के आंसर की में बोला गया था कि सेकेंड सही है, ओनली सेकेंड, लेकिन आप जब, मेरे हिसाब से ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहां जिक्र नहीं किया गया है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड,
एमएस वर्ड में सभी डॉक्यूमेंट के जो भी आपके हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, एक बार सभी लोग शेयर करो जोरदार तरीके से भाई। ये तो एकदम सिंपल है, सभी के आंसर आ जाने चाहिए। बहुत बढ़िया शुभम ए, सिमरन बी, वागिस जी डी के साथ जा रहे। अरे इसमें तुम लोगों के गलत नहीं होना चाहिए, पूरा सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाते हो, इसका आंसर तो एकदम आसानी से दो भाई। हाँ ये तो एकदम रटा होना चाहिए, कंट्रोल ए से हम कोई भी चीज पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसी छोटी गलतियां करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये गलतियां नहीं होना चाहिए। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो अलाइनमेंट होता है लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, यही अलाइनमेंट होते हैं, टेक्स्ट को किधर अलाइन करना है, दाएं बाएं सेंटर में या जस्टिफाई पूरे दोनों तरफ से। तो इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट, कौन सा इसमें से वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। एकदम तुम लोगों को मैं इमेज खींच के पढ़ाया हूं एकदम, कि ये देखो नागिन की तरह ये रहा यहां यहां यहां, ठीक है। तो वो गलती ना करना, टॉप इसमें नहीं होता है, टॉप अलाइनमेंट एक्सेल में पाया जाता है या एमएस वर्ड के किसमें पाया जाता है बच्चों, टेबल जब बनाओगे ना तो टेबल के कंटेंट को इधर उधर जब अलाइन करना होता है, क्योंकि टेबल एक्सेल में भी बनता है और टेबल आप जब वर्ड में भी बनाओगे तो उसमें भी अलाइनमेंट आपका टॉप हो जाता है, सेंटर हो जाता है, बॉटम हो जाता है, ठीक। तो यहां पर टॉप अलाइनमेंट नहीं मिलता है हमें। अगला प्रश्न है, द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट इन एमएस वर्ड 2007 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। यहां पे वर्जन लिखेगा 2007, 2010, 2016, 2013, कुछ भी उसका मतलब नहीं निकालना है। तो एक बार शेयर करो सभी लोग बी आंसर, इसका क्या होगा, अगर 36 पॉइंट पे कोई फॉन्ट है तो बोल रहा है वो इंच में कितने के बराबर होगा, बताओ। देखो टोटल क्या होता है आपका, 72 मैक्सिमम साइज होता है उसका फॉन्ट का जो ड्रॉप डाउन होता है, तो एक्चुअली एक का 1.72 होता है, तो 36 इंटू 1.72 लमसम ये करेंगे तो 36 दूनी 72 जितना भी फॉन्ट साइज हो उसको 1/72 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 दूनी 72 मतलब 1/2 मतलब 0.5 आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या होगा उसका इंच होगा, उतने इंच के बराबर होगा। तो डी आंसर करेक्ट होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 0.25 नहीं शुभम, 0.5 होगा, 1/72 मैक्सिमम जो आपके ड्रॉप डाउन में आता है उससे हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं जो भी आपका फॉन्ट साइज हो। तो कुछ भी पूछ सकते हैं वहां पे। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल 2007। 2007 में कौन सा एमएस एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, मिड लेफ्ट या राइट या कंबीन, कंबीन नहीं होता है। सेम डे होगा टाइपिंग टेस्ट, एकदम सही है आशीष जी, सेम डे ही होगा। इसका आंसर बताओ, सब लोग बीबी जा रहे हैं। कंबीन कोई भी फंक्शन नहीं होता, मैंने आपको एक अलग से पीडीएफ अपलोड कराई है उसमें पूरा एब्रिवेशन है, शॉर्टकट की है और क्या है आपका एक्सेल का फॉर्मूला है, जो मैंने आपको जेसीए में एक्सेल दिया है और यूपीपीसीएल में मैंने वो अलग से एक्सेल का फॉर्मूला दे दिया है कि भैया रट मारो ये सब, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला नहीं होता है, मिडिल वैल्यू के लिए होता है, लेफ्ट वैल्यू के लिए होता है, राइट वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज होते हैं, ये सभी फॉर्मूले हैं। तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो एकदम मन से, लग रहा है मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट आर देयर इन द एमएस एक्सेल वर्कबुक। हाँ ऐसा प्रश्न आ जाए 2007 में, देखो क्या होता है जब आगे बढ़ोगे, 2007 लिखा है सही बात है, क्योंकि जब आप 2015-16 में जाओगे तो एक मिलेगा, ठीक है। यहां पे बाय डिफॉल्ट 2007 में एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट वर्कशीट कितना होता है, तो यहां आंसर दोगे कि 3 होगा, एकदम सही बोले हो, एकदम सही पकड़े हो, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ ए सेल अलाइनमेंट इन ए टेबल इन एमएस वर्ड 2007। देखो एमएस वर्ड के टेबल 2007 हो, 10 हो, 16 हो, 13 हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखो 2000 कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक।
अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलाइनमेंट टेबल में नहीं होता है, अलाइन बॉटम राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप लेफ्ट या अलाइन अक्रॉस। तो मैंने बताया एमएस वर्ड में जब आप टेबल बनाओगे तो टॉप बॉटम सेंटर लेफ्ट राइट सभी अलाइनमेंट होते हैं, 3, 3, 6, 3, 9 होता है। जब आप जाओगे ना टेबल पे क्लिक करोगे तो जब उसका लेआउट आएगा तो उस पर देखना, ठीक है, तो उसमें सिर्फ अलाइन अक्रॉस नहीं होता है। डी आंसर इसका सही जवाब होगा, अलाइन अक्रॉस। शुभम जी, कुलदीप जी, भीम जी, सभी का आंसर आ गया है कि डी आंसर होगा। शिवांगी जी, करण जी, कामनी जी, आशीष जी, एयर भारती जी, राहुल जी, सभी लोगों ने डी के साथ आंसर दिया। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑप्शन ऑफ मेनू बार इन एमएस वर्ड 2007। ठीक है, 2007 हो चाहे 2015 हो चाहे 16 हो चाहे 19 हो, कौन सा इसमें से मेनू नहीं होता है। एकदम फोटो दिखाया था तुम लोगों को पढ़ाते समय, याद करो वो फोटो जब पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को एमएस वर्ड, तो क्या नहीं था उसमें, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, लेकिन इंटरनेट कहां से आ जाएगा भैया, होम होता है तो इंटरनेट नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा एकदम जो है किस तरह होना चाहिए, आंखें, आंखें ऐसी होनी चाहिए नागिन की तरह, जो देखो खींच लो फोटो। अगला प्रश्न रहा ये, इसको मैच करना है, ऐसे प्रश्न भी मिल सकता है एनटीए करा रहा है तो, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न मिल सकता है तो घबराना नहीं है। बोला है इंटर, इंटर को क्या होगा, शिफ्ट प्लस टैब, टैब एरो की, बोला मूव योर, मूव यू टू द नेक्स्ट सेल टू द राइट, मूव यू टू द नेक्स्ट सेल टू डाउन, मूव यू इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, मूव यू इन द नेक्स्ट सेल टू द लेफ्ट। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, सही मिलान क्या होगा, सही मिलान इसका क्या होगा, एक बार सभी लोग शेयर करते रहिए और इसका आंसर कमेंट करिए क्या सही होगा। देखो इसमें क्या है, इंटर, इंटर से क्या होगा आपका, किसमें दिया ये ध्यान देखो, ये सेल एडिटिंग सेल की बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो अगर इंटर दबाओगे तो मूव यू टू द नेक्स्ट सेल, अगले सेल में चले जाओगे, एक सेल से दूसरे सेल में चले जाओगे, तो पहले का बी होगा, इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद से शिफ्ट प्लस टैब जब दबाओगे तो यहां पर क्या, मूव यू टू द नेक्स्ट सेल टू द लेफ्ट, लेफ्ट में कहां पर, लेफ्ट में हम जब शिफ्ट होते हैं ना सेल के लेफ्ट में, तब हम लोग शिफ्ट टैब से शिफ्ट होते हैं, और जब हम लोग राइट में शिफ्ट होते हैं तो हम लोग किससे, टैब से शिफ्ट होते हैं, ठीक है, हाँ थर्ड, जब हम राइट में शिफ्ट होते हैं तो टैब से शिफ्ट होते हैं। तो ये वाला पहले का बी, दूसरे का डी, ठीक है, और तीसरे का ए आंसर वाला होगा, यही ऑप्शन बी होगा, एंड फोर्थ का जो एरो की होगा वो क्या बोलेगा, मूव यू इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, जो एरो की होगा, जैसा एरो का डायरेक्शन होगा अप डाउन वैसे मूव करेगा, ठीक है, सभी लोग ध्यान देना, बी आंसर करेक्ट होगा एकदम। चलो अगला प्रश्न, बॉर्डर एंड शेडिंग आता है, ऐसे 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 करके फोटो खींचा होगा, टेबल वाले में आता है जहां बॉर्डर को आप अलग कलर दे सकते हो। ऑप्शन इन ए टेबल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस वर्ड 2007, मेलिंग, मार्जिन, ओरिएंटेशन या बॉर्डर। तो इसी पे बॉर्डर होता है, इसी पर जब करोगे शेडिंग वाला, बॉर्डर एंड शेडिंग, तो पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, यहां पे आपको दिया रहता है बॉर्डर के ऑप्शन, डबल डॉटेड, उसके बाद से यहां कलर वलर दिया रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉर्डर ऑप्शन पे होता है, किसमें होता है, बॉर्डर पे होता है। तो एक बार सभी लोग शेयर करो, आशीष जी डी आंसर दे रहे हैं, सभी का सही है भाई, अपना अपना करेक्ट लिखते जाना। अगला प्रश्न रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले ऑफ बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल। ठीक है, टाइटल बार कहां पर आपका डिस्प्ले करता है, क्या क्या, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम, एक्सेल का नाम कहां पर डिस्प्ले करता है, टाइटल बार में, टूल बार में, टास्क बार में या मेनू बार में। बाई डिफॉल्ट एक्सेल का जो आपका खुलता है, एक्सेल वाला स्प्रेडशीट खुलता है, बाई डिफॉल्ट उसका फाइल का नेम क्या होता है, वो भी प्रश्न पूछा है कई बार, तो कहोगे बुक वन। ठीक है, क्या होता है, बुक वन होता है,
उसके बाद से ये किस पे होता है, टाइटल बार में होता है। नाम जो होता है वो कहां होता है, टाइटल बार में होता है। जबरदस्त एकदम भयंकर, तो शेयर करो, कहां नहीं शेयर कर रहे हो। आ जाओ अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद द रिफरेंस ऑफ सेल एडिटिंग इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के लिए कौन सा आपका गलत है। सेलेक्ट द सेल, क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार एंड एडिट द कंटेंट। एडिट द सेल बाय डबल क्लिकिंग द सेल वेयर द कंटेंट इज लोकेटेड। सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2 फंक्शन की ऑन द कीबोर्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस F5 फंक्शन की ऑन द कीबोर्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। क्या बोला, क्या फॉल्स है विद रेफरेंस टू द सेल एडिटिंग। देखो सेल एडिटिंग के बारे में, सेल को सेलेक्ट करो, फॉर्मूला बार पे जाओ, एडिट करो, ये भी हो सकता है। डबल क्लिक करोगे तभी भी आपका सेल एडिट हो सकता है। F2 से तो होता ही होता है, लेकिन ये F5 से कहां होने लगा। तो यही फॉल्स है आपका, यहां पे आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम इन ए टेबल इन एमएस वर्ड। जो विड्थ है आपका, चौड़ाई जो है कॉलम की, टेबल की एमएस वर्ड में, वो कहां से चेंज कर सकते हो, इंसर्ट से, ट्रांसलेट से, डिफाइन से या टेबल प्रॉपर्टी से। तो कहां से करोगे बच्चों, इसका आंसर बताओ। इंसर्ट से नहीं, इंसर्ट नहीं देना है, इंसर्ट से टेबल इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट से टेबल इंसर्ट कर सकते हो। डी आंसर आ रहा, इजी। सिमरन, आशीष, टाइपिंग टेस्ट सेम डे होगा। सूरज डी बता रहे हैं, सचिन, सिमरन डी बता रहे हैं, सूरज जी, अभिनव जी, चलिए अभिनव, सभी ने डी बताया, टेबल प्रॉपर्टी। एकदम जबरदस्त हो, डी सही आंसर होगा, डी एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि जब वो ओपन हो जाएगा ना टेबल वाला, उस पर जब क्लिक करते हो तो उसके प्रॉपर्टी में जाके उसके विड्थ को, हाइट को अरेंज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट सेंटेंस इन ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एक सेंटेंस आपको पैराग्राफ में लेना है तो कैसे लोगे, क्या शॉर्टकट की होगा। ऑल्ट क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, ट्रिपल क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, कंट्रोल क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, डबल क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट। क्या इसमें सही आंसर होगा, कभी ऐसा किए हो, देखे हो कि आपको महसूस हुआ हो, कभी ऐसा किए हो। कंट्रोल के साथ अगर क्लिक दबाते हो तो पूरा सेंटेंस, एक सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाता है एमएस वर्ड में, और ट्रिपल क्लिक कर दोगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। किसी पैराग्राफ पे रख के ट्रिपल क्लिक कर दोगे ना माउस का, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। द एलियन फंक्शन इन एमएस एक्सेल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अभी उसी दिन एमएस एक्सेल के जब एमसीक्यू करा रहा था तो यह फंक्शन बताया था, किस लिए होता है, किसी भी टेक्स्ट का लेंथ निकालने के लिए एलियन यूज किया जाता है, कि लेंथ कितनी है उसके लिए होता है। तो वही बोल रहा है आपसे, किससे बिलोंग करता है, फाइनेंशियल से, लॉजिकल से, टेक्स्ट से, या मैथ और ट्रिग्नोमेट्री से। ना ही मैथ ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ना ही लॉजिकल है, ना ही फाइनेंशियल है, ये टेक्स्ट का है, क्योंकि टेक्स्ट की लेंथ निकालने के लिए यूज होता है। पीडीएफ मिलेगी, एकदम जबरदस्त मिलेगी, टेंशन ना लो, पहले यहां पढ़ लो, पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ो, ठीक है। तो सी आंसर इसका जबरदस्त तरीके से सही होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू टैब पेज सेटअप ऑप्शन, पेज का सेटअप जो ऑप्शन आता है, अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2007, चाहे 2007 हो, 8 हो, 10 हो, पेज सेटअप किसमें आता है, जो आप देखे होंगे ऊपर, कौन सा मेनू बार होता है बताओ एक बार सभी लोग, जल्दी से बताओ। होम होता है, इंसर्ट होता है, उसके बाद वाला कौन सा होता है, पेज लेआउट, उसी में पेज सेटअप कर सकते हो बंधु। बी आंसर सही होगा, एकदम जबरदस्त सभी के आंसर आ रहे हैं। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड।
कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेटिंग का मतलब उसका स्टाइल बदलना, रंग बदलना, कलर बदलना, बड़ा छोटा करना, फॉन्ट से रिलेटेड चीजें। कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में नहीं आता है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट। एकदम आंख बंद करके मारो इसका आंसर। आकाश बोल रहे हैं अलाइनमेंट होगा, एकदम जबरदस्त। फॉन्ट कैसे होगा सिमरन? बोला करेक्टर फॉर्मेटिंग। एक करेक्टर को फॉर्मेट करना हो तो उसका फॉन्ट भी देखना पड़ता है, कैलिबरी है, निर्मल है, ठीक है, एरियल ब्लैक है, ठीक है, ये ऐसे फॉन्ट देखना पड़ता है ना। तो ये भी होता है फॉर्मेटिंग में, ये भी होता है, ये भी होता है। अलाइनमेंट तो आपका पैराग्राफ के कमांड सेक्शन में होता है, फॉर्मेटिंग सेक्शन में नहीं होता है। कमांड ग्रुप जब पैराग्राफ में जाओगे वहां अलाइनमेंट होता है। एकदम जबरदस्त सूरज। 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू क्विकली कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट टू एडजेसेंट सेल इन द सेम रो और कॉलम। जैसे कभी आप देखते हो कि यहां पर आपका क्या है, कॉलम है, ये आपका है, यहां से इसमें अगर कोई चीज कॉपी करना हो तो कर्सर से खींच देते हैं ऐसे, तो वहां पे भी कॉपी हो जाता है। चाहे कॉलम में करना हो तो ऐसे खींच देंगे तो वह चीज खींच देंगे, तो यही चीज इसमें कॉपी हो जाती है माउस से ड्रैग करने पर, उसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है सिंपल से। तो क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं, क्लियर फॉर्मेटिंग में आपका जो भी फॉर्मेट होगा टेक्स्ट का वो हट जाएगा, सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर में नहीं, फॉर्मेट पेंटर में एक बार जो फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट में रख लिया वो कई बार यूज करना है तो उससे यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑटो फॉर्मेट नहीं, फिल हैंडल कहते हैं उसको, क्योंकि बाकी सब फॉर्मेट के पार्ट है, फिल हैंडल मतलब यही से शब्द आ रहा कि फिल करने का काम आएगा, तो डी आंसर करेक्ट होगा। एक बार जितने लाइव वो लाइव तो जरूर करो यार। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन ए वर्कशीट। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? एक बार सभी लोग शेयर करो जबरदस्त तरीके से, बोलो हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, ये तो जनरल सा सेल कहते हैं भाई, कॉलम एंड रो के इंटरसेक्शन को एमएस एक्सेल में सेल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा शॉर्टकट यूज करने के लिए पेस्ट, पेस्ट का शॉर्टकट यूज किया जाता है। किससे पेस्ट करते हैं? कंट्रोल वी से। कंट्रोल वी से आपका क्या होता है? पेस्ट का ऑप्शन होता है। चलो हाँ, ये तो सभी को पता है, कंट्रोल एक्स से कट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू क्रिएट ए स्मॉल लेटर अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट के स्मॉल लेटर अगर करना हो उस पर तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, जल्दी से बताइए। हाँ गलत, देखो एक टेक्स्ट के ऊपर छोटे अक्षर लिखना है तो जब कोई चीज ऊपर लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है बंधु, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट नीचे लगता है, नीचे जो लगता है उसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था क्या करोगे, ट्रिपल क्लिक ऑन ए पैराग्राफ। पैराग्राफ पर अगर ट्रिपल क्लिक कर देते हो तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। मैंने बताया अभी, इसीलिए नहीं मैं बताता हूं डिटेल में बाकी ऑप्शन, क्योंकि उससे मैं क्वेश्चन बना के लाता हूं आप लोगों को। एमएस एक्सेल किसी सेल के सूत्र में यह लिखा हुआ है तो परिणाम क्या होगा? तो 16^2^3 लिखा हुआ है तो यहां पर प्रायोरिटी किसकी है? इसकी है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2^3 क्या हो जाएगा? 8, और यहां 16 है तो 8^2 = 16 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? 2 आंसर होगा, आंसर इसका 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, ये ध्यान रखना। इसकी प्रायोरिटी हाई होती है इससे, इसीलिए हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। Which of the following is true with the reference of opening and closing document in MS Word 2007 के रेफरेंस में क्लोजिंग और ओपनिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कौन सा इसमें से ट्रू है? टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट क्लिक
माइनस इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. फॉर ओपनिंग ए न्यू फाइल क्लिक ऑन ए न्यू विंडो बटन. द शॉर्टकट की ऑफ ओपनिंग डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल एफ. बाई डिफॉल्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन नो पेजेस व्हेन इट इज ओपन. इसमें से कौन सा सही है आपका, जल्दी से बताओ इसमें से क्या सही है. बोला क्या सही, देखो ये वाला, इससे आपका कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है. ये किसके लिए होता है, मिनिमाइज के लिए होता है, तो ये उससे संबंधित नहीं है वर्ड से. ओपनिंग ऑफ न्यू फाइल कंट्रोल न्यू इन विंडो बटन, एकदम सही बात है कि आप न्यू से कंट्रोल से एन से आप क्या करते हो, नया ओपन करते हो फाइल. ये सही है उसके रिस्पेक्ट में. लेकिन यहां पे कंट्रोल एफ से कहां ओपन करते हो भाई, कोई ये तो शॉर्टकट की नहीं है ना, कंट्रोल एन है. क्या है, सीटीआर प्लस एन है शॉर्टकट की, कंट्रोल एन. बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड जब आपका ओपन होता है तो कोई पेज नहीं होता है, होता है पेज होता है, तो ये भी गलत है. तो बी आंसर करेक्ट होगा. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एमएस वर्ड आर ट्रू और फॉल्स. एमएस वर्ड के बता रहा है कौन सा ट्रू या कौन सा फॉल्स होगा. When you open a new file in MS Word, by default it has a landscape orientation. जब हम MS Word में फाइल खोलते हैं तो उसका ओरिएंटेशन by default landscape होता है. नहीं, मैंने क्या बताया, क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है. landscape किस में होता है, पावर पॉइंट में होता है. When you open a new file in MS Word, by default it has a portrait orientation. Yes, ये सही है, ये गलत है. पहला आपका क्या है, फॉल्स है, और दूसरा आपका क्या है, ट्रू है. बी आंसर करेक्ट होगा. सी कैसे दे रहे हो तुम लोग, सी कैसे होगा, बी होगा ना, ऐसे गलती करोगे एकदम. बोला कंसीडर द फॉर्मूला ए थ्री प्लस बी फोर इन ए सेल फाइव. सेल फाइव है कोई, इसका एड्रेस जो है सेल फाइव ए फाइव है, इसमें फॉर्मूला लगाया है ए थ्री प्लस बी फोर, ठीक है बी फोर. ये एड्रेस क्या है, ए फाइव का एड्रेस है. तो आपसे बोल रहा अगर यही चीज कॉपी करके मैं ई नाइन में ले जाऊं, ई नाइन जो सेल एड्रेस होगा उसमें ले जाऊं तो क्या होगा. देखो जब ए फाइव है तो ए फाइव से ये कितना कम है, ए थ्री और बी फोर है, तो उसी हिसाब से जब हम यहां पे ले आएंगे तो ई नाइन से कितना कम होगा, जब ई में लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा ई नाइन से आपका ये पांच से दो कम है ना, तो यहां से दो कम होगा तो ई सेवन, और ये बी जो है कितना कम है, एक कम है, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ एट. तो ई सेवन एफ एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई सेवन एफ एट. हाँ ई सेवन एफ एट, बी एट नहीं एफ एट बढ़ जाता है वो. जैसे यहां ए में है तो ए बी को साथ में लिया है, उसी तरह यहां पे ई है तो ई एफ रहेगा साथ में. अगला, Which of the following is not a valid change case option in MS Word? Upper case होता है, toggle case होता है, lower case होता है, लेकिन Pascal case नहीं होता है बंधु. ये आपका change case में ये नहीं होता है. चलो अगला, Which of the following appear as a part of the editing command group within the home menu in a recent version of MS Word? सच एज 2016, ऐसा नहीं है, 2010 में भी है वो चीज. 16 लिख दिया तो आपको टेंशन नहीं लेना है. कौन सा बोल रहा एडिटिंग कमांड ग्रुप में होम मेनू के रिसेंट में डाला गया है. तो आप जब होम में जाओगे लास्ट में एक कमांड ग्रुप एडिटिंग का आता है, जहां फाइंड रिप्लेस ठीक है ये सब होते हैं, ठीक है फाइंड रिप्लेस ये सब होते हैं, वहां पर आपका बोल रहा है कि किसको डाला गया है. देखो चेंज केस उसमें नहीं होता है, ये फॉर्मेट में होता है, फॉन्ट कलर भी नहीं होता, फॉर्मेट वाला भी ये क्लिप आर्ट में होता है. तो रिप्लेस आपका जो है ना, ये फाइंड रिप्लेस उसी में है, एडिटिंग वाले में ही है. फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट, एडिटिंग कमांड ग्रुप में जाओगे फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट का आता है ऑप्शन, ठीक. हाँ तो रिप्लेस वाला होता है उसमें, ये ध्यान रखना, ऑप्शन से कर सकते हो. अब ये एक फॉर्मूला लगा दिया एक्सेल में, ठीक है, फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू क्या होगी. फैक्टोरियल वन, जीरो की वैल्यू होती वन, थ्री की वैल्यू होगी थ्री इंटू टू इंटू वन, और फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू होगी पांच
चार तीन दो गुणे एक, ठीक है, तीन दूनी छह, यहां हो जाएगा छह और ये क्या हो जाएगा पांच फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 120 प्लस 26 प्लस 1 127 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है 127, बहुत बढ़िया जबरदस्त, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू इंडेंट ए पैराग्राफ, इंडेंट मतलब लेफ्ट और राइट में, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इंडेंट के लिए अगर उसको इंडेंट करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, अलाइनमेंट नहीं है, इंडेंट छोड़ना हो, पैराग्राफ वाले में ही इंडेंट भी आता है, मैंने आपको बताया था इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, किसी ने दिया कंट्रोल एम से इंडेंट होता है, बाकी सब में मत जाना आई लगा हुआ है, तो इंडेंट आपका किससे होगा कंट्रोल एम से होगा। व्हेन यू ओपन ए न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर ऑन द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, टॉप मोस्ट पोर्शन स्क्रीन पर क्या आपका आएगा, हॉरिजॉन्टल स्कोर बार, वर्टिकल स्टेटस बार या टाइटल बार, क्या शो करेगा जल्दी से बताइए, सबसे टॉप मोस्ट क्या होगा जब कोई भी वर्कबुक खोलोगे तो, टाइटल बार आता है जहां पे उस डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है। इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड, ठीक है, शॉर्टकट शुड बी यूज टू अलाइन ए पैराग्राफ इन ए सेंटर, सेंटर में अलाइन करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, कंट्रोल सी से क्या होगा कॉपी होता है, सेंटर मत बोल लेना, कंट्रोल ई से सेंटर का अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट होगा। अगला प्रश्न व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द सेल ऑफ एमएस एक्सेल, ये भी मैंने कराया था, एमएस एक्सेल के सेल में अगर कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट उसका क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट उसका लेफ्ट होता है, किसी टेक्स्ट का जो होता है वो क्या होता है लेफ्ट होता है या राइट होता है जल्दी बताओ, टेक्स्ट का क्या होता है बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट इधर होता है टेक्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, और नंबर कहां होता है, नंबर का बाय डिफॉल्ट राइट होता है, हाँ तो क्या होगा इसका आंसर सी, एक बार शेयर करो सभी लोग। अब देखो इसका आंसर बताओ, एमएस एक्सेल फॉर्मूले में 4^2^3 इसका आंसर क्या होगा, देखो प्रायोरिटी सेम है तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है इधर से मत सॉल्व करना, तो लेफ्ट टू जब राइट सॉल्व करोगे तो पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, अब 16 का क्यूब है ना यहां पर पावर 3 लगा हुआ है, तो 16 का क्यूब क्या होगा 16 × 16 × 16, ठीक है 4096 होता है 16 का क्यूब, 4096 होगा 16 का क्यूब, बहुत बढ़िया। देखो ये तो पावर है 4^2^3, तो जब किसी में प्रायोरिटी सेम हो दोनों पावर सेम चीज लगा है तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करो, बॉर्नौस तो यही बोलता है, हाँ यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो। व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट ए सेल ऑफ एमएस एक्सेल वर्कशीट एंड प्रेस द F2 की, ठीक है वर्कशीट में अगर आप किसी सेल को हो और F2 की प्रेस कर दिए तो क्या होगा, द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी डिलीटेड, नहीं, द बैकग्राउंड ऑफ द कलर ऑफ द सेल बी चेंज, नहीं, द फॉन्ट कलर ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल विल चेंज, द सेल विल बी स्विच टू एडिटिंग मोड, ये भी नहीं होगा, एडिटिंग मोड में चला जाएगा F2 से एडिटिंग मोड में चला जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करो भाई, कहां चले जाते हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग पेपर उसी दिन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर
इज यूज्ड टू टाइप ए वेरी स्मॉल लेटर और नंबर जस्ट अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, सेम चीज पूछ रहा है आपसे, सेम चीज अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वही प्रश्न आपसे फिर से पूछ रहा है, क्या होगा इसका आंसर? सुपरस्क्रिप्ट होगा। क्या होगा? सुपरस्क्रिप्ट। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कट सेलेक्ट द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? कट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल एक्स यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स यूज होता है कट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा इसमें से फॉल्स है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इन एमएस वर्ड द सेम पैराग्राफ कैन हैव बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट अलाइनमेंट। क्या एक ही पैराग्राफ लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट दोनों हो सकता है? जल्दी से बताओ, बोलना कौन सा इसमें फॉल्स है। नहीं, दोनों अलाइनमेंट नहीं हो सकता है एक ही पैराग्राफ पर। इन एमएस वर्ड ए पैराग्राफ इज क्रिएटेड बाय प्रेसिंग कंट्रोल इंटर। कंट्रोल के साथ इंटर दबाओगे तो पेज ब्रेक होता है, ना कि पैराग्राफ होता है। क्या हो जाएगा? पेज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यह भी गलत है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉल्स। नीदर नॉर कहां से आ जाएगा बंधु? बी आंसर क्यों होगा? वो पूछा है फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स ये भी है, ये भी है। ऐसे ही गलत करते हो तुम लोग, ऐसे ही गलती करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शन इन एमएस वर्ड सो द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज ए बुलेट पॉइंट्स? ठीक है, किसमें बोला है? एमएस वर्ड में किस वाले लेआउट में जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो बुलेट पॉइंट में शो करेगा? ड्राफ्ट में, वेब लेआउट में, आउटलाइन में या प्रिंट लेआउट में? देखो, पावर पॉइंट में बताया था एक आउटलाइन व्यू होता है ना, वहां पर भी चीजें क्या बुलेट के फॉर्म में शो करती हैं, और कोई फॉर्मेट नहीं होता, तो वो आउटलाइन व्यू यहां पर भी होता है, जो नीचे जब आपके खुले होते हैं व्यू में जब जाओगे, व्यू में जब जाओगे तो वहां व्यू होता है, प्रिंट, वेब। ठीक है, तो वैसे आपका क्या होगा? रीडिंग व्यू। तो वहां पे आउटलाइन व्यू में जब जाओगे तो चीजें आपको किस में दिखती हैं? बुलेट ऑप्शन में दिखती हैं। आ जाओ 44 नंबर अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज ए पार्ट ऑफ क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप अंडर द होम मेनू इन ए रिसेंट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड 2016? कौन सा क्लिपबोर्ड के अंदर इसमें से नहीं आता है? फॉर्मेट पेंटर, कट, पेस्ट, ये सभी आते हैं क्लिपबोर्ड में। मैंने आपको दिखाया था, वो 16 ही नहीं 10 में भी होता है, 7 में भी होता है। सो हाइड का ऑप्शन नहीं होता है उसमें, सो और हाइड का ऑप्शन नहीं होता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आंसर दियो। ये देखो एनटीए में क्वेश्चन का ट्रेंड ये चल रहा है इस प्रकार से, ट्रू एंड फॉल्स वाला। एनटीए में जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है यही चल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन एमएस वर्ड। आर पैराग्राफ कैन हैव द राइट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। आर पैराग्राफ कैन नॉट हैव द सेम हैंगिंग पोजिशन। हैंगिंग पोजिशन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इन एमएस वर्ड आर पैराग्राफ कैन हैव द राइट, हाँ पूरा पैराग्राफ राइट अलाइन हो सकता है, एकदम सही है। इन एमएस वर्ड आर पैराग्राफ कैन नॉट हैव द, नहीं, पैराग्राफ हैंगिंग अलाइनमेंट, हैंगिंग मतलब एक लाइन आपकी यहां से शुरू हुई है, दूसरी आपकी यहां से होगी, ऐसे होता है, तो वो सभी हैंगिंग में नहीं हो सकता है, तो ये गलत होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एमएस वर्ड टेबल इज फॉल्स?
बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस वर्ड इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? टू और मोर कंसेक्यूटिव सेल ऑफ ए कॉलम कैन बी मर्ज, मर्ज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, दो को उठाओ और उसमें आता है राइट क्लिक करोगे मर्ज सेल हो जाएगा। टू और मोर कंसेक्यूटिव सेल ऑफ रो मर्ज कर सकते हो, कॉलम को भी कर सकते हो, रो को भी कर सकते हो। अल्टरनेट सेल ऑफ ए रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज, अल्टरनेट सेल और जो कॉलम होगा वो मर्ज नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है एक कॉलम यहां पे है और एक छोड़ के दूसरा है, इसको कैसे मर्ज करोगे? जब सेलेक्ट करोगे तो आपका पूरा सेलेक्ट हो जाता है, तो ये चीज आप नहीं कर सकते हो। ये भी सही ही बोला है, द फर्स्ट एंड लास्ट सेल ऑफ ए टेबल कैन बी मर्ज, नहीं, फर्स्ट और लास्ट सेल भी हम मर्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सेलेक्ट करेंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, तो डी आंसर फॉल्स होगा, मर्ज नहीं हो सकता है। अगला 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्कशीट इस पर दिखाई देता, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर टॉप ऑफ द वर्कशीट ऑफ एमएस एक्सेल। अब बताओ इसमें तो वो गायब हो गया, टॉप ऑफ द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में सबसे टॉप पर क्या दिखाई देगा? अभी ऑप्शन चेंज हो गया इसमें, अब इसके हिसाब से बताओ। देखो स्टेटस बार नीचे होता है, जहां पे आपके नंबर ऑफ सीट से दिखाते हैं ये सब स्टेटस बार में होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रोल, जब आपका ये सब मेनू वाला होता है तो यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल होता है और इधर वर्टिकल होता है, लेकिन ऊपर सब मेनू होता है ना, तो उसके ऊपर फॉर्मूला बार होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या जाओगे? डी आंसर सही होगा, ए नहीं होगा सूरज। स्टेटस बार नीचे होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल और स्क्रोल बार जब आपका पेज होता है ओपन, यहां देखो यहां टाइटल बार होता है, यहां मेनू होता है, कमांड ग्रुप होता है, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला होता है, उसके बाद से यहां पर आपके पेज में आपका यहां पे स्केल लगा रहता है रूलर, जो ये स्क्रॉल बार है वो यहां होता है ऐसे ऐसे, तो फॉर्मूला बार होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सेलेक्ट ए रेंज ऑफ कंटिन्यूअस सेल इन एमएस एक्सेल वर्कशीट, ठीक है, कॉन्टिन्यूस आपको अगर सेल चूज करना है तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे? हाँ बहुत बढ़िया, शिफ्ट से आप कॉन्टिन्यूस कर सकते हो, पूरा का पूरा से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। सीलिंग फंक्शन मैंने पढ़ाया है, बताओ इस सीलिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सीलिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ, सेवन होगा क्यों? सीलिंग में क्या होता है, जो ये दिया है इसका नियरेस्ट वैल्यू इससे ऊपर होनी चाहिए, सीलिंग मतलब छत होता ना, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू जो इससे ऊपर हो, जाके देखना मैंने सीलिंग फंक्शन पढ़ाया आप लोगों को। पांच का मल्टीपल जो ये सीलिंग होता है इसका कौन सा वैल्यू मल्टीपल होगा जो इसकी सेल इससे ऊपर वैल्यू होगा? रिपीट कर दे, हां ऐप में क्लास कंप्लीट हो गया है, ऐप में क्लास कंप्लीट हो गया है आपका, किसी ने आंसर दिया? पांच का मल्टीपल क्या होगा जो सेवन के आसपास गिरेगा? आठ सेवन का मल्टीपल है,
ये बताओ, आठ जो है आपका वो सेवन का मल्टीपल है क्या? मतलब पांच का मल्टीपल है? नहीं है ना भाई, तब कैसे कह सकते हो? ठीक है, ये सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है। पांच का मल्टीपल जो सात से ऊपर हो, पांच कम पांच तो कम है एक वाला मल्टीपल, पांच दूनी करोगे तो दस हो जाएगा, तो दस ही आपका उसका जो सेवन के ऊपर वैल्यू आ रही है, बाकी तो ये कम है, ये आपका लेना नहीं क्योंकि अभी पांच का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर बी आपका होगा, सीलिंग। अगर यहां पे फ्लोर होता, अगर फ्लोर होता तो अगर यहां पे कोई और वैल्यू होती तो उसके नीचे उसका मल्टीपल देखते हैं। फ्लोर का मतलब होता है नीचे। अगला 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपका, जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। टाइपिंग और पेपर एक ही दिन होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एमएस वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। ए डॉक्यूमेंट फाइल कैन हैव बोथ बुलेट एंड नंबर, जाहिर सी बात है। पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी कस्टमाइज्ड, एकदम एकदम कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन जो है आप जब ड्रॉप डाउन करोगे तो कस्टमाइज मार्जिन आता है, तो आप पेज की मार्जिन को कस्टमाइज भी कर सकते हो और बुलेट और नंबर दोनों हो सकता है, तो बोथ ट्रू होगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। तो 50 क्वेश्चन आपके हो गए पूरे इतना समय तक आप लोगों के, लेकिन हाँ तुम लोगों ने, तुम लोग लग नहीं रहा एग्जाम है, इतने एडमिशन लियो लेकिन पढ़ने कोई नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है भाई? एक कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर पहले ही हार मान जाओगे, रणभूमि छोड़ के भाग जाओगे, तो ऑलरेडी जो लोग हैं वो तो सर मैक्सिमम बच्चे यही मूड बना लिए हैं कि हम नहीं जाएंगे एग्जाम देने। ये अच्छी बात है, आप दो महीने से तैयारी कर रहे हो तो आप जाओ, लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से खेल कर आओ। जीएस नहीं पढ़ोगे तभी भी 10 क्वेश्चन करके आओगे, गारंटी है, लेकिन ये सब पढ़ लोगे तो 24-25 तक भी हो सकता है। इंग्लिश अच्छे से पढ़ो, दो ही चीज तो मैं बोल रहा हूं पढ़ने के लिए। देखो डिस्क्रिप्टिव के बारे में कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा क्लियर हो जाइए, क्योंकि 26-27 सबके एडमिन जो आपका एग्जाम सिटी वाला आया है आपका मेल, उस सब में 26-27 लिखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस है कि डिस्क्रिप्टिव आपका बाद में होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है इसीलिए दो दिन एग्जाम हो रहा है। जेसीए वाले, यहां यूपीपीसीएल वाले ना कंफ्यूज होना, जेसीए वालों की टाइपिंग उसी दिन होगी, इंग्लिश टाइपिंग इनकी है एकदम हाई कोर्ट की तरह। 50 में 42 सही, बहुत बढ़िया। देखो भाई कंप्यूटर का एक ही है टिप्स, कंप्यूटर में आप का पढ़ो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के जितने भी मैंने आपको पेड क्लास में एमसीक्यू दिया है सब कर डालो। अभी मैं जितना कराऊंगे लास्ट के 10 दिन वो सब पढ़ डालो, और मौका मिले तो जाओ एएसआई के लिए क्वेश्चन कराया हूं ढेर सारा, उसको भी पढ़ डालो। मैं बता रहा हूं कि वहां एक भी इधर उधर आ जाए तो बताना। क्या कर रही थी आरु कि क्लास नहीं ले पाई? चलो मेरा दूसरे क्लास का टाइम हो गया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी बातें कल करेंगे। ठीक है, अभी हमें मुख्य सेविकाओं के पास जाना है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से। सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और सिलेक्शन जरूर लेकर आओ। नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोग एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दें, और एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से भोलेनाथ का नाम ले, बोले हर हर महादेव।
और सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए आशीष जी हमसे पहले बता दिए कि हर हर महादेव का नाम लीजिए और सेशन को शेयर करिए। कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, आज उसके आगे 50 के आगे और एमएस ऑफिस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है एक बार आप लोग बता दें, ठीक है, एक बार सभी लोग बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए जोरदार तरीके से। सब कुछ क्लियर है ऑडियो वीडियो, तो एक बार शेयर करिए और बोलिए भोलेनाथ की जय। क्यों सूरज जी गुड इवनिंग, सूरज जी, सोनी जी, ऋतुराज जी, काजल जी, आयुष जी, सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड गुड इवनिंग। पीडीएफ जो है मेरा टारगेट था 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो जाने दो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। सभी का स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए फिर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सिमरन जी गुड इवनिंग, आयुष जी, रुचिका जी, दीपक कुमार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करो। बिंदिया जी गुड इवनिंग, पापा जी आ चुके हैं भाई यहां पर, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। हाँ तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन कल हो चुके थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 51 क्वेश्चन जो है आपका, ये सभी एमएस ऑफिस से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए एमएस ऑफिस से ही क्वेश्चन बने हैं, तो इसको एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करिए क्या इसका सही जवाब होगा। शिवांगी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, अरुण आर्यन जी गुड इवनिंग, कामनी जी गुड इवनिंग, यशवीर जी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, ऋतुराज जी, ऋतिक राज जी दे रहे हैं ए आंसर होगा इसका। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए। आशीष जी नॉर्मल, मिस्टर निक बी आंसर दे रहे हैं, हिमांशु जी गुड इवनिंग, आशीष जी नॉर्मल बोले, हर हर महादेव। चलिए When you open a new file, क्या बोल रहा है, हाँ, When you open a new file in the newer version of MS Word, such as Word 2016, the default page margin is set as, तो आपका चाहे न्यू वर्जन हो चाहे ओल्ड वर्जन हो, जो भी आप फाइल ओपन करते हो MS Word में, तो आपका जो मार्जिन होता है पेज का, वो मार्जिन कौन सा होता है, वो नॉर्मल मार्जिन होता है। आप जाके चेक करना वो कौन सा मार्जिन होता है, नॉर्मल मार्जिन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या दोगे, नॉर्मल दोगे, ठीक है, नैरो बाद में उसको सेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो पेज के मार्जिन को। तो बी आंसर देने वाले सभी लोग सही होते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। Which of the following appears at the extreme right position of a worksheet in MS Excel? MS Excel की जो worksheet होती है, ठीक है, MS Excel की जो worksheet होती है, इस worksheet में क्या आपसे पूछ रहा है कि at the extreme position of a, किस extreme, extreme right में, तो right side ये होगा, extreme right position पे क्या होता है, status bar नहीं, ये bottom पे होता है, वर्टिकल स्कोर बार, हॉरिजॉन्टल स्कोर बार, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो बेस स्टेटस के थोड़ा सा ऊपर होता है, मेनू बार ऊपर होता है, यहां पर होता है मेनू बार, ठीक है, और जो आपका वर्टिकल स्क्रोल बार है, ऐसे वर्टिकली स्क्रोल करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, यहां पे होता है, एक्सट्रीम राइट में होता है। तो आंसर क्या दोगे, बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट होगा, वर्टिकल स्क्रोल बार होगा। सभी लोग कहां चले गए भाई, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करो जोरदार तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए फॉर्मूला डॉलर डी डॉलर थ्री प्लस डॉलर सी डॉलर फाइव इन ए सेल बी फोर, इफ द सेल बी फोर इज कॉपी एंड पेस्टेड टू एफ टेन, ठीक है, F10 वाले सेल में F10 जैसे लिखा जाता है ना, B और 4, B4 का मतलब B क्या दर्शाता है आपको, B आपको दर्शाता है कॉलम, कॉलम, क्योंकि ABCD से लेकर XFD तक आपका क्या होता है, कॉलम होता है, XFD तक क्या होता है, कॉलम होता है। अब उसी के बाद अगर हम बात करें तो ऐसे ही ये क्या दर्शाता है, ये रो दर्शाता है,
तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर इस फॉर्मूले को हम F10 वाले सेल में, F10 क्या है, सेल एड्रेस होता है, जो भी ये ऐसे लिखा रहता है ना B4, इसको क्या बोला जाता है, सेल एड्रेस बोला जाता है। ये भी पूछ सकता है आपसे ये क्या चीजें हैं, तो ये सेल एड्रेस होता है। सभी के कमेंट्स हो रहे हैं, क्या है एकदम बवाल मचाए हो, सभी के कमेंट्स हो रहे हैं, सभी लोग एक बार शेयर करो। क्लास अपने टाइम पर चालू हुआ 7 बजे, तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ। F10 में पेस्ट करोगे तो एक बात को ध्यान रखना है, यहां पे जो लिखा गया है आपका ये डॉलर साइन जो होता है वो वैल्यू को क्या करता है, फिक्स करने के लिए होता है, रो और कॉलम को, ये कॉलम को फिक्स कर दिया, ये रो को फिक्स कर दिया, तो यहां पर आपका चेंज नहीं होगा। जब आप F10 में भी पेस्ट करोगे इस चीज को तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, ये पढ़ाया है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स, ये तीनों सेल रेफरेंस मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये पूछ जा सकता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है ये, तो ये चेंज नहीं होगा। हाँ, सेम एज ए क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज अ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ कमांड ग्रुप विद इन द होम मेनू इन ए रिसेंट वर्जन ऑफ MS Word, ठीक है। बोला है आपसे किसमें, कौन से कमांड ग्रुप की बात कर रहा है, पैराग्राफ कमांड ग्रुप। जब आपको मैंने पढ़ाया था मेनू कि ये देखो ये मेनू है, इन मेनू में अंदर कमांड ग्रुप होते हैं और उस कमांड ग्रुप में कमांड होती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पैराग्राफ के अंदर नहीं आएगा, बुलेट भी पैराग्राफ कमांड ग्रुप में आता है, मल्टी लेवल लिस्ट भी आता है, नंबरिंग भी आता है, अलाइनमेंट भी आते हैं, लेकिन चेंज केस जो होता है वो फॉन्ट स्टाइल वाले में आता है, चेंज केस जो होता है वो फॉन्ट स्टाइल वाले में आता है। तो ये आपका डी आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। चलिए आकाश जी सभी सी बोल रहे हैं, सी नहीं हो सकता है, नंबरिंग होती है, नंबरिंग नहीं करते हो बुलेट के फॉर्म में, वही चीजें वो बोला रहा है। चलो आ जाओ अगला प्रश्न, ये रहा, What will be the result of the following MS Excel formula? इस MS Excel formula का result क्या होगा, जल्दी से बताइए। यस जी शास्त्री अकाल, पीयूष जी 1 बता रहे हैं, इसका आंसर 1 होगा, बहुत बढ़िया। राहुल 1 आंसर बता रहे हैं, और किसी का आंसर, डी आंसर होगा इसका, इसका बी होगा। हिमांशु जी बी, सिमरन जी 1 बता रहे हैं। चलो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रगति जी 1 बता रहे हैं, रुचिका जी, सताक्षी सिन्हा जी, चलिए सभी लोग बता रहे हैं 1 होगा। फैक्टोरियल 5-4 लिखा है, तो यहां पे जो फैक्टोरियल होगा आपका वो 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही आएगी, तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इक्वेलेंट टू कंट्रोल एस To save and open file in MS Word. MS Word में save file करने के लिए और किस method से, Control S से तो होता ही है, बाकी और किस method से आपका Control S होगा, save करोगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, और कैसे आप save करोगे। क्या आंसर दे रहे हैं सभी, D1 आ रहा है किसी का आंसर, बी आंसर आ रहा है और किसी के, शिवांगी जी डी आंसर दे रही हैं। देखो सिंपल सा है इसमें, जो कंट्रोल एस काम करेगा वही आपका शिफ्ट F12 काम करेगा, शिफ्ट F12 से भी सेव एस कर सकते हो, सेव कर सकते हो फाइल को आप, ठीक है, शिफ्ट F12 भी आपका वही काम करेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म पेस्ट ऑपरेशन इन MS Word। पेस्ट किससे होता है, Ctrl+V से होता है, ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, Ctrl+V से होता है।
अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ वर्कशीट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द सेलेक्टेड सेल। सेल एड्रेस कहां दिखता है आपको? सेल एड्रेस जो होता है वर्कशीट में आपको कहां दिखता है, एक बार जल्दी से बताओ। सेल एड्रेस आपको कहां दिखता है सबसे बताओ? फॉर्मूला बार में दिखता है या कहीं और दिखता है, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए, चलिए खुश रहिए मस्त रहिए। फॉर्मूला बार में नहीं, फॉर्मूला से पहले, फॉर्मूला बार वाला तो आपका यहां पे रहता है, उससे पहले जो होता है उसको कहा जाता है नेम बॉक्स। ये जो होता है यहां से, उसके बाद यहां फॉर्मूला वाला होता है, वहां फॉर्मूला बार स्टार्ट होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? नेम बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेम बॉक्स कहा जाता है। नेम बॉक्स में होगा, फॉर्मूला वाले में नहीं होता है। समझ में आया? चलो अगले पे आते हैं। सी आंसर करेक्ट होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस क्लिक कैन बी यूज टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन से माउस क्लिक में पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा? ट्रिपल, कौन सा? लेफ्ट क्लिक। तीन बार लेफ्ट क्लिक करोगे ऐसे, जो आपका माउस बटन होता है इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे तीन बार तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। यह भी मैंने कल करा रखा था। What is the smallest number of row that a table in MS Word can be? MS Word में टेबल की सबसे कम संख्या क्या होगी? कि वो भी किस चीज की पूछा है आपसे? छोटी पंक्तियों की संख्या क्या होगी? रो की सबसे कम संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ, सबसे कम रो क्या हो सकता है? सबसे कम रो क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। मिनिमम एक हो सकता है, ठीक है? मिनिमम क्या हो सकता है? एक हो सकता है। यहां आ जाओ, एमएस एक्सेल इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सिस्टम बंद हो गया। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इस वाले का आंसर बताइए क्या होगा? हाँ, एमएस एक्सेल, आपके कमेंट हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आगे का हमारा जो यंत्र है वो बंद हो चुका है। इसको आप लेफ्ट से राइट, क्योंकि सेम प्रायोरिटी है यहां पे, सॉल्व करेंगे। 8 4 को सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा 4, 4 अपॉन 2 करोगे, यहां 2 अपॉन 2 है तो यहां से आपका आ जाएगा 2 और यहां से आपका कितना आ जाएगा, ठीक है? यहां भी 2 होगा ना, 2 4 2 8 तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे 1, 1 माइनस 1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी में डिस्टर्ब करने लगते हैं, ठीक। चलो तो आंसर क्या होगा इसका? 0 होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक आपका ऑन हो रहा है। व्हेन यू इंटर ए वैल्यू इन एमएस एक्सेल सेल एंड प्रेस द इंटर की, व्हाट विल हैपन बाय डिफॉल्ट? अगर आप किसी में वैल्यू इंटर कर रहे हो सेल में और आपने इंटर दबा दिया तो अब आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ।
इंटर दबाने के बाद कहां पहुंच जाओगे? इंटर दबाने के बाद आप कहां पहुंच जाओगे, इसका आंसर बताइए क्या होगा? देखो इंटर दबाने के बाद ऑप्शन पढ़ लो और आंसर बताओ। बोल रहा है द कर्सर सेलेक्टेड बॉक्स विल मूव टू द अपर सेल, द कर्सर सेलेक्शन बॉक्स के पास से विल मूव टू द लोअर सेल, द कर्सर सेलेक्शन विल मूव टू द राइट सेल, लेफ्ट सेल, लाइट लेफ्ट, तो कुछ नहीं जाएगा। सीधे इंटर जब दबाओगे वहां से तो आपका लोअर वाले में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? लोअर में चला जाएगा। दो मिनट का समय दो, तब तक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन एमएस वर्ड, अ वर्ड कैन हैव बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर। हाँ जाहिर सी बात है, ट्रू है। इन एमएस वर्ड द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए पैराग्राफ कैन नॉट बी मेड बोल्ड, ऐसा कहां हो सकता है? क्यों नहीं कर सकते हो बोल्ड? आप जिसको चाहो तिसको बोल्ड कर सकते हो, ये बोला नहीं कर सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, ओनली फर्स्ट आपका क्या है? ट्रू है आपका। इसमें ओनली फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। कमेंट आपके दिख नहीं रहे इसलिए आपके नाम नहीं ले रहे हैं। ये फॉर्मूला जब हम एक्सेल में लगाएंगे इवन 3 प्लस ऑड 8 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? अब आए हो, अब दिखे हो तुम लोग, तो एक बार भोलेनाथ का नाम लो और शेयर करो सब लोग, इसका आंसर बताइए क्या सही होगा, जल्दी से बताओ। 11 होगा इसका, 11 13 आपके आंसर आ रहे हैं। अच्छा इवन यहां पर जो दिया है, जब भी ये फंक्शन लगाओगे तो इवन वैल्यू इसके बाद, इसके अप्रोक्स इवन वैल्यू क्या होगी? इससे ऊपर तो 4 होगी इवन वैल्यू, 3 से ऊपर, और ऑड वैल्यू 8 से ऊपर कौन सी होगी? 9 होगी। तो प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 आंसर होगा इसका, ठीक है। 3 के बाद आपकी इवन वैल्यू कौन सी होगी और 8 के बाद ऑड वैल्यू क्या होगी? तो यह होगा सही 13, एकदम बहुत बढ़िया। शुभम, अरमान, सोनी, राहुल, मिस्टर निक, ठीक है, सभी के आंसर क्या आ रहे हैं? 13-13 आ रहे हैं। अगला प्लस, कंसीडर ए फॉर्मूला B2 प्लस 4 इन ए सेल A1, इफ सेल वन A1 इज कॉपी एंड पेस्टेड टू D4 देन व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ D4। तो अब जैसा मैंने एक प्रश्न इसमें बताया था कि यहां कोई भी ऐसा रो और कॉलम को स्टेटिक करने के लिए नहीं लगा हुआ है कि आप फिक्स कर दो, तो B24 लिखा है किसमें? A1 सेल एड्रेस में। सेल एड्रेस है A1, लिखा है यहां पर B2। अगर मुझे D4 में करना है यह चीज तो क्या करेंगे? देखो ये A से एक बढ़ा है B, तो हम क्या करेंगे? D से एक बढ़ा देंगे E, और यहां से 4, यहां एक था तो एक बढ़ गया था, यहां 4 है तो यहां एक बढ़ जाएगा 5, तो E5 प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E5 प्लस 4 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो ए जाओ, यहां आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल द जूम ऑप्शन अपीयर इन द, जूम ऑप्शन कहां होता है एक्सेल में? जूम ऑप्शन कहां पे होता है? नीचे वाले में होता है, यहां आपकी सीटें होती हैं और यहीं पे स्टेटस बार होता है, और इधर जब जाओगे तो क्या होता है आपका? जूम होता है। क्यों होता है कि नहीं? खोल के देखे हो कि नहीं एक्सेल ऑक्सेल? जब खोल के देखे होगे तो सब पता चल जाएगा। जो आपका जहां स्टेटस बार सीट, देखो यहां पर सीट होता है 1 2 3, और ये आपका रेडी लिखा रहता है यहां पर, और यहीं पर आपका क्या होता है? जूम वाला, यहीं पर व्यू होता है, यहीं पर जूम होता है। तो मैक्सिमम जूम, आपसे अगर मैं पूछूं एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होगा, एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होगा? हाँ स्टेटस बार, एकदम 100% सही बोले हो।
ये होगा नहीं क्योंकि ये ऊपर होता है, ये भी ऊपर होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जो ये होता है कि मैक्सिमम 400% होता है और मिनिमम क्या होता है 10% होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट जब एक्सेल खोलते हो तो कितना होता है 100 होता है 2010 में। चलो अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एपियर्स एज अ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ कमांड ग्रुप विद इन द होम मेनू इन ए रिसेंट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड सच एज वर्ड 2016। पैराग्राफ कमांड ग्रुप में से कौन सा है, इसमें से कौन सा कमांड जो है आपका पैराग्राफ कमांड ग्रुप में दिखता है, कॉपी, रिप्लेस, फॉर्मेट प्रिंटर या बुलेट? बुलेट दिखता है, बाकी सब किसमें दिखता है, आपके क्लिप बोर्ड वाले में दिखता है, किसमें, क्लिप बोर्ड वाले में दिखता है, ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एमएस वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। एमएस वर्ड के बारे में कौन सा ट्रू और फॉल्स है। इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ द पेज इज लार्जर देन विड्थ। बोला अगर लैंडस्केप है आपका ऐसे है तो बोला हाइट जो होगी वो आपके विड्थ से ज्यादा होगी, नहीं ऐसा कहां होता है। यहां पर जो आपकी विड्थ हाइट जो होती है वो कम होती, ज्यादा नहीं होती है। इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन द विड्थ ऑफ द पेज, अगर पोर्ट्रेट की बात किया जाए तो यहां पर जो चौड़ाई बोला वो लार्जर देन द हाइट, नहीं यहां पर कम होती है, यहां हाइट ज्यादा होती है, तो ये भी गलत बोल रहा है। तो दोनों के दोनों गलत बोल रहे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। एक बार सभी लोग शेयर करिए, बोलिए हर हर महादेव। चलो फॉल्स, हाँ दोनों फॉल्स हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। कई बार यह भी प्रश्न आपसे एग्जामों में पूछा गया है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो क्या कहोगे, कंट्रोल प्लस के से हम हाइपरलिंक लिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक जिसमें लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिस टेक्स्ट में लगाओगे उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है, ठीक। तो यहां पे कंट्रोल के आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्हाइल प्रिंटिंग एमएस वर्ड, एक मुझे और प्रश्न का जवाब दो, गटर मार्जिन क्या होता है, यह भी कई बार एग्जामों में पूछा है, गटर मार्जिन क्या होता है बताना मुझे। व्हाइल प्रिंटिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट वी कैन सेट द नंबर ऑफ कॉपी टू बी प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट, यू विल हैव कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। कितनी कॉपियां होंगी बाय डिफॉल्ट, 1, 2, 3 या 8, क्या होगा अगर प्रिंट करोगे तो बाय डिफॉल्ट कितनी कॉपियां होंगी। चलो एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बाइंडिंग, बहुत बढ़िया, गटर मार्जिन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बाइंडिंग पेज के लिए लेफ्ट साइड में छोड़ा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन है तुम लोगों की नॉलेज। यहां पे बाय डिफॉल्ट 1 पेज होगा, 1 प्रति जो है आपकी कॉपीज जो है वो निकलेगा प्रिंट में, जब तक आप उसको सेट नहीं करोगे कितने चाहिए हमें। यहां पर 71 नंबर क्वेश्चन देखो, इज अ रियूजेबल सैंपल फाइल, ठीक है, एक सिंपल फाइल होती है जैसे बोला जाए, डेमो फाइल जिसको कह सकते हो, डेट इंक्लूड अ बैकग्राउंड लेआउट, कोऑर्डिनेट फॉर्म्स एंड अदर डिजाइन एलिमेंट्स, डेट वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए अट्रैक्टिव फिनिश स्लाइड शो, ठीक है। ये एक तरह से जो पहले से प्री डिफाइंड बना हुआ, जिसमें आपका लेआउट भी रहेगा, फॉन्ट स्टाइल भी रहेगा, डिजाइन भी रहेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, वाटरमार्क कहा जाता है, एनिमेशन कहा जाता है, टेम्पलेट कहा जाता है, या थीजर्स कहा जाता है। ये तो डिक्शनरी का काम करता है। एनिमेशन हम किसमें लगाते हैं, स्लाइड के टेक्स्ट में लगा देते हैं। ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड टू स्लाइड लगता है। तो यहां आप लोग सही जवाब जो दे रहा है, कौन सही जवाब दे रहा है, जो सी ऑप्शन चूज किया है, टेम्पलेट जो होता है, टेम्पलेट एक बना बना फॉर्मेट होता है, बस उसमें आप कुछ चेंज किए, बाकी उसका डिजाइन, उसके टेक्स्ट, फॉन्ट, उसके कलर सब पहले से रहेंगे। बी वाले एकदम गलत हैं, सी आंसर करेक्ट होगा। यहां पर सी आंसर करेक्ट होगा, उसको टेम्पलेट कहते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ ए स्लाइड,
किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना हो या कोई नई स्लाइड ऐड करना हो, दोनों का शॉर्टकट की मुझे बताओ। अगर आपको कोई नई स्लाइड ऐड करना हो तो कैसे ऐड करोगे, और डुप्लीकेट बनाना हो स्लाइड को तो कैसे करोगे? 72 का आंसर बी दे रहे हैं सभी। अच्छा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा, एकदम सही। लेकिन नई स्लाइड ऐड करने के लिए क्या होगा? वागीश तिवारी जी बता रहे हैं कंट्रोल एन नहीं, कंट्रोल एन से नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुल जाएगा। इसी गलती की वजह से मैंने पूछा था, कंट्रोल एम से एक स्लाइड बनाओ जोड़ोगे और उसमें, तो स्लाइड जोड़ने के लिए होता है कंट्रोल एन से नया खुल जाएगा, ना कि आप स्लाइड जोड़ पाओगे। सभी लोग ध्यान देना, अरमान जी कंट्रोल डी होगा इसका आंसर। टू सेट ए फिक्स कॉलम विड्थ ऑन द टैब, उसके बाद टैब इन द ग्रुप सेलेक्टेड योर टेबल, क्लिक ऑटो फिट एंड सेलेक्ट फिक्स कॉलम विड्थ। क्या होगा इसमें? टू सेट ए फिक्स कॉलम विड्थ ऑन द टैब इन द किस ग्रुप में, सेलेक्ट योर टेबल एंड क्लिक ऑटो फिट एंड सेलेक्ट द फिक्स कॉलम विड्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? बोला है यहां पर ऑप्शन डिजाइन या सेल साइज। टू सेट ए फिक्स कॉलम विड्थ ऑन द किसमें, लेआउट में। जब सेल के किसी भी लेआउट में जाओगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? सेल साइज ग्रुप सेलेक्ट योर टेबल, क्लिक ऑटो फिट एंड सेलेक्ट द फिक्स कॉलम विड्थ। तो ये सी आंसर होगा। लेआउट में जाओ, फिर सेल साइज ग्रुप में जाओ, फिर वहां पे ऑटो फिट कर दोगे तो आपका हो जाएगा। सी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट व्यू डेट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट एंड बुलेट। यह आपको वर्ड में भी मैंने बताया था, और पावर पॉइंट में भी जब आपका स्लाइड ओपन करते हो, यहां स्लाइड दिखता है और यहां पर आपके स्लाइड होता है और यहां पे एक आपका आउटलाइन होता है। क्या होता है? जब आउटलाइन पे करोगे तो सिर्फ टेक्स्ट और बुलेट दिखता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? आउटलाइन व्यू कहा जाता है। आउटलाइन व्यू खाली बोला है, टाइटल एंड बुलेट बोला है आपसे, स्लाइड कहां से हो जाए? कल ही पढ़ाया हूं और आज ही गड़बड़ कर रहे हो, वर्ड में यही चीज बताया हूं। चलो डी आंसर करेक्ट होगा। 75 नंबर पे आ जाओ। व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिफर अ ब्रैकेट 8n फ्रॉम द सीट 1 ऑन सीट 3। अगर आपको सीट 1 के, ठीक है, 8n को रिप्रेजेंट करना है, 8n एक्सेल एड्रेस हो गया, किसमें? सीट 3 में, ठीक है। आपको अगर जैसे तीन सीट होती है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो वही बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिफर टू ए ब्रैकेट 8n फ्रॉम द सीट 1 टू सीट 3। अगर आपका कोई 8n पे कोई चीज है, ठीक है, उसको आप रिफर करना चाहते हो सीट 3 में, तो वो कैसे रिफर करोगे कि यहां पे कोई क्लिक करे तो सीट 3 पे पहुंच जाए, ठीक है? उसके लिए क्या सही होगा? उसके लिए होगा, लिखोगे क्या? सीट 3, ये मार्क्स आपका दोगे और यहां पे लिख दोगे 8n। तो ये 8n सीट 3 से क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा, रिफर कर दोगे, ठीक है? इसको आंसर डी आपका सही हो जाएगा, कनेक्शन इससे बनता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड रिप्लेस इन नॉट पेड। रिप्लेस हो कुछ भी हो, फाइंड और रिप्लेस के लिए चाहे वर्ड हो चाहे नोट पेड का आपसे पूछ रहा है, तो शॉर्टकट की हमेशा क्या होगा? वही होगा फाइंड रिप्लेस का, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से हम क्या करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस दोनों आपको वहां पर मिल जाएगा। हाँ चलो, 77 आपका, इन एमएस एक्सेल फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स कॉलम एंड रो। रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? आपसे यह भी पूछा जाता है फॉर्मूला को शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो इक्वल टू का साइन। अगर किसी रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए जो आपका साइन होगा वो आपका डॉलर साइन होता है। कौन सा होता है? बी आंसर एकदम सही जवाब होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका, इन एमएस एक्सेल विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ओनली द करेंट डेट।
कौन सा कमांड आपको करेंट डेट के बारे में बताएगा? पौनेश जी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। एक बार बोलिए सभी लोग हर हर महादेव, और सेशन को शेयर करो जबरदस्त तरीके से। बताओ तुरंत का आपका अगर करेंट आपको समय और क्या दिखाना है, करेंट डेट दिखाना है ना, यूज टू डिस्प्ले ओनली द करेंट डेट, तो वो आपको कौन दिखाता है? जल्दी से बताइए। गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो भाई, सबके सब गलत बता रहे हो। कोई कह रहा डेट होगा, फॉर्मूला वाला पढ़े नहीं हो, टाइम होगा, कोई नाउ बता रहा है, कोई टुडे बता रहा है, क्या इसमें होगा? सही जवाब बताओ। सिर्फ डेट बताना है, नाउ में टाइम और डेट दोनों आ जाता है, और टुडे जब करोगे ना तो टुडे में आपका क्या आएगा, सिर्फ आज का। क्या बोला? कमांड यूज टू डिस्प्ले ओनली द करेंट डेट, खुद आज का चाहिए तो टुडे यूज करो, बाकी तो के लिए डेट और टाइम तो आई है, और नौ में करोगे तो नौ में डेट और टाइम दोनों आता है, टुडे होगा ना कि डेट होगा। चलो, इन एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट व्हेन इट रीचेस द राइट एज ऑफ द स्क्रीन, इट इज कॉल्ड। एमएस वर्ड में जब हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, मूव कर देते हैं टेक्स्ट को टू द नेक्स्ट व्हेन इट रीचेस राइट एज ऑफ द स्क्रीन, इट इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, कैरेज रिटर्न, टेक्स्ट रैपिंग, इंटर या टेक्स्ट फॉर्मिंग। जब हम लिखते लिखते जाते हैं तो फिर अगला लेटर फिर यहां से लिखना स्टार्ट कर देता ना, जैसे एच पे पहुंचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको टेक्स्ट रैपिंग कहा जाता है। वो पूरा एकदम रैप करके यहां से फिर अगले से स्टार्ट हो जाता है, इसी को टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। इन एमएस एक्सेल मैक्रोस कैन बी इंसर्टेड यूजिंग द क्या, कौन से टैब में मैक्रोस होता है, डिजाइन में, व्यू में, लेआउट में या डेवलपर में? बताओ मैक्रोस किस में होता है? क्या आंसर दोगे इसका? एमएस एक्सेल में मैक्रोस किस में होता है? व्यू टैब में होता है। एकदम सही जवाब दिए हो। किस में होता है? व्यू टैब में होता है। आ जाओ अगला। इन एमएस वर्ड 2010 कंट्रोल शिफ्ट F1 इज यूज फॉर, 2010 में कंट्रोल शिफ्ट F1 से हम क्या करते हैं, टू प्रिंट ए पैराग्राफ, टू एग्जिट अ वर्ड, टू चूज अ प्रिंट कमांड, टू अनलॉक एरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिंट, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका? कंट्रोल शिफ्ट F1, कंट्रोल के साथ शिफ्ट F1 दबाओगे, क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट F1 में डी बता रहे हैं बच्चे। अच्छा, डी होगा, ए होगा, देखो बोला है इसमें टू प्रिंट ए पैराग्राफ, किसी अनुच्छेद को मुद्रित या करने के लिए, टू एग्जिट वर्ड, टू चूज प्रिंट कमांड, ठीक है, टू अनलॉक एरिया। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F1 दबाओ, डी होगा, सभी बोल रहे हैं डी होगा,
टू अनलॉक एरिया, कौन सा अनलॉक एरिया करने के लिए होता है? कुछ ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। देखो कंट्रोल शिफ्ट जो F1 होता है ये आपका प्रिंट का अल्टरनेट कमांड होता है, कंट्रोल P का, ठीक है, अल्टरनेट कमांड क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट F1 होगा, ठीक है, प्रिंट का अल्टरनेट कमांड होता है एक तरह से बोला जाए। चलो दो मिनट रुको, ठीक आ जाओ, उस पर करोगे तो वहां पे आ जाता है आपका एक सर्च वाला, इधर जब कंट्रोल शिफ्ट करोगे ना यहां पर, तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है यहां पे खुल जाता है, वो डॉक्यूमेंट के बारे में बताने लगता है। देखो एक बार करके, एक बार करके देखो, मुझे भी कुछ, लेकिन होता है कंट्रोल शिफ्ट F1 होता है या F2 होता है, प्रिंट के लिए होता है, ठीक है, देखो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। जल्दी से बताओ कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रिंट हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अब यहां पर देखो कंट्रोल से पिया तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है, यहां पे F1 नहीं होना चाहिए इसका, वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि F1 के साथ नहीं हो रहा, मैंने भी सिस्टम पे देखा, ठीक है, या तो यहां पे हाइड जो होगा हाइड वाला होगा, कुछ हाइड हो जाएगा इससे कंट्रोल शिफ्ट F1 से, इसका प्रिंट वाला नहीं होगा, इसको एक बार देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट F1 से क्या होगा, ठीक है। तो अभी यहां पर एग्जिट वर्ड नहीं कर सकते हो, ऑप्शन भी शायद ये गलत पेस्ट हो गया, कुछ तो गलत हुआ है, चाहे F1 नहीं होगा वहां पर, चाहे ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसको देख लेंगे बाद में। द टू स्प्लिट ए टेबल इन एमएस वर्ड 2010, प्लेस योर माउस पॉइंटर ऑन द रो फ्रॉम विच यू वॉन्ट टू स्प्लिट द टेबल, क्लिक ऑन द, मतलब जिस जहां से आप स्प्लिट करना चाहते हो टेबल को, वहां पर जाओ, पॉइंटर को रखो उस रो पर, देन विच यू वांट टू स्प्लिट द टेबल, क्लिक ऑन द, क्या टैब एंड देन क्लिक ऑन द, किस पर टैब करोगे, किस पर टैब करोगे, क्लिक ऑन द कौन सा टैब, व्हेन देन क्लिक ऑन द, जल्दी से बताओ इसमें। तो यहां पर क्या करोगे, जब आपको स्प्लिट करना है टेबल को, और स्प्लिट तो करना है तो स्प्लिट तो होगा ही, ब्रेक होगा नहीं, तो लेआउट स्प्लिट टेबल होगा, पेज लेआउट नहीं होगा, पेज लेआउट तो अलग हो गया, इंसर्ट या स्प्लिट टेबल होगा, यहां पर क्या करोगे, लेआउट करोगे फिर स्प्लिट टेबल करोगे, बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर क्लिक ऑन द लेआउट टैब एंड देन क्लिक ऑन द स्प्लिट टेबल, ठीक है, सी आपका बी आंसर करेक्ट होगा इसका। द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड होल्डिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड, मतलब अब ये बोलना चाहिए था कहां पे, पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में जो आपका स्लाइड होता है, इसे लिख दिया स्लाइड तो बात बराबर है, वही जो स्लाइड होल्डिंग जो टेक्स्ट आपका होल्ड करता है स्लाइड,
उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है प्लेस होल्डर। क्या कहा जाता है? प्लेस होल्डर कहा जाता है। डी इसका कैसे दे रहे हो? इमेज होल्डर नहीं होगा आपका, प्लेस होल्डर होगा। अगला प्रश्न यहां देखो, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करेंट स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। करेंट के स्लाइड से अगर आपको प्रेजेंटेशन करना होगा, स्लाइड शो करना होगा, तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी अपनाओगे? जल्दी से बताओ। ए ए ए ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड से अगर करना होगा तो वैसे तो आप क्या करोगे, F5 से कर सकते हो स्लाइड शो, लेकिन आपको किसी करंट पोजीशन पर बैठे हो तो वहां से शिफ्ट F5 से करोगे। किससे करोगे? शिफ्ट F5 से करोगे। अब ये किसका आ गया? डैश इज ए सिस्टम ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये अलग से आपका है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरचेंज इज ए सिस्टम ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से क्या सही होगा? देखो यहां होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इज ए सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है वो क्या करता है, वो आपका इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। जो पियानो वानो टाइप के होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेप आर यूज टू एड और बॉर्डर टू ए पैराग्राफ इन ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग एमएस वर्ड 2010। कौन सा स्टेप जो है हम यूज करेंगे टू एड ए बॉर्डर टू ए पैराग्राफ, पैराग्राफ में बॉर्डर एड करने के लिए? देखो, सेलेक्ट द पैराग्राफ टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक द बॉर्डर एंड शेडिंग बटन बॉर्डर कमांड टू एड एंड रिमूव बॉर्डर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें किस सिक्वेंस में चलेंगे? सेलेक्ट द ऑप्शन, गिव द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द स्टेप। बताओ, पैराग्राफ में अगर बॉर्डर लगाना हो तो कैसे चलेंगे? जो भी दिया है एकदम सही दिया है। क्या बोला है? सेलेक्ट द पैराग्राफ टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, जिस भी पैराग्राफ को आपको बॉर्डर लगाना है उसको सेलेक्ट कर लो, फिर आप होम टैब पर जाओ और फिर क्या करो, बॉर्डर एंड शेडिंग बटन बॉर्डर कमांड टू एड एंड रिमूव बॉर्डर। आपको एड और रिमूव वाले पे करना है, फिर वो आपका खुल के आ जाएगा, बॉर्डर लगा देना। तो 1 2 3 आपका जो सीक्वेंस है वही होगा, 1 2 3 जो सीक्वेंस है वही होगा। इन नोट पैड विच शॉर्टकट की यूज टू एसेस द हेल्प ऑप्शन। हेल्प ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन मार्क बना रहता है ना, किस शॉर्टकट की से आप यूज कर सकते हो हेल्प ऑप्शन को? हेल्प ऑप्शन किससे आता है, जल्दी से बताओ। F1 से आता है या F2 से आता है हेल्प वाला? F1 से आता है या F2 से आता है? हाँ, तो आंसर क्या दोगे? F1 से आता है हेल्प। हेल्प का जो आता है एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है और यहां लिखा रहता है हेल्प। ठीक है, जो भी आपको हेल्प लेना हो नोटपैड से वो ले सकते हो। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड देन पेस्ट सेम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एक बात ध्यान रखना यहां पे, इसका इसलिए पूछा है कि मान लो कोई टेक्स्ट आपने लिखा है, एच लिखा, इसकी फॉर्मेटिंग की हो इटैलिक है, पूरा बोल्ड है, कोई और फॉर्मेट में है एच, इसको कॉपी किए और चार जो फॉर्मेटिंग इसमें है, जो कलर है, सेम चीज आपका पेस्ट हो, तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की क्या होगा? फॉर्मेटिंग के साथ करना है तो शिफ्ट आ जाता है, बस कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होगा और कंट्रोल शिफ्ट वी से वही चीज पेस्ट हो जाएगा, बस ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका।
ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। द पार्ट ऑफ चार्ट लाइक लीजेंड टाइटल डेटा टेबल डेटा लेबल आर नोन। चार्ट में जब जाते हो तो बार ग्राफ चार्ट चाहे पाई बनाते हो तो उसका आपका डेटा टेबल होता है, टाइटल होता है, ठीक है, उसके पास उसका लीजेंड होता है, ये सभी चीजें होती हैं। वो किस में होती है, उसको क्या कहा जाता है? चार्ट फिगर कहा जाता है, चार्ट एलिमेंट कहा जाता है, सेक्शन कहा जाता है या टाइप बोला जाता है? तो वो सब चार्ट के क्या होते हैं, बार खोलो चाहे पाई खोलो, वो सब एलिमेंट होते हैं, जो डेटा वाला हो गया चाहे कुछ भी हो गया। तो बी आंसर आपका सही होगा। क्या लिख रहे हैं यार भारती जी, एक्सेल फील्ड के नाम की अधिकतम लंबाई क्या है? 16, 32, 64, 128 करेक्टर। जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन पूछे हैं यार भारती जी ने, एक्सेल फील्ड में एक नाम की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती, करेक्टर एक कितना हो सकता है, बताओ कोई। चलो यहां पे आ जाओ। अच्छा, एक सेल में नंबर ऑफ करेक्टर कितने होंगे एक्सेल के? चलो एक उन्होंने पूछ दिया, मुझे याद आ गया, वही चीज है, एक सेल में नंबर ऑफ करेक्टर कितने होंगे, एक सेल में नंबर ऑफ करेक्टर कितने होंगे? कैसे पता करोगे इसको? जल्दी से बताइए, बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 256 होंगे, 256 तुम लोग अलग दे रहे हो आंसर। अभी एक्सेल खोलो, उस पे लगाओ क्या LEN और ये लगा दो सेल, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी हो सकती है सेल की। 256 वो फाइल का नाम है, वो क्या होगा आपका फाइल का नाम होगा। चलो 32 सही है, ये होगा 32,767 जो होगा ये सही है। इतने नंबर ऑफ करेक्टर इसमें हो सकता है, वो बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। और जो 255 आप बोल रहे हो, ये किसी भी फाइल का नाम आप जो है कितने करेक्टर में लिख सकते हो, सेव करने के लिए 255 में लिख सकते हो, ठीक है। और रही बात जो ये कुछ लोग 16,384 बोल रहे हैं, ये 16,384 क्या है, कोई बताएगा मुझे 16,384 क्या है? ये MS Excel 2003 कौन सा, तीन में रो की संख्या है, क्यों तो कॉलम की संख्या कितनी होगी, तीन में कॉलम की संख्या कितनी होती है, तीन में, 2003 की बात कर रहा हूं। रो की वैल्यू या कॉलम की वैल्यू है, रो की वैल्यू है या कॉलम की वैल्यू है, जल्दी बताओ। रो इन एक्सेल कितना होता है 2003 में बताओ, और 2003 के बाद बताओ, ये पढ़ाया है पेड क्लास देखना मेरी। पेड क्लास देखना, ये क्या है 16,384 जो है आपका, ये आपका कॉलम है, ये शायद कॉलम है आपका, और जो रो है 10,48,576 है शायद, देख लेना इस फिगर को,
10,48,576 है, और अगर 2000 ये 2003 के बाद है, ये 2007 वाले में है, ये चीज 2007 में है, और जब 2003 में जाओगे तो 65,536 आपका क्या होगा, रो होगा, इसमें रो जो होगा वो 65,536 है, और जो कॉलम होगा वो बहुत कम होता है, कॉलम कितना होता है, कॉलम कितना होता है 256, जो कॉलम होता है वो आपका वो 256 होता है, पैंसठ पांच सौ छत्तीस रो जो है वो आपका किसमें है, वो आपका 2003 वाले में है, और उसके बाद आओगे तो 10,48,576 और कॉलम 16,384, और 2003 में कॉलम की संख्या शायद 256 होता है, देख लेना, हाँ ये याद कर लेना, पूछता भी है व्हाट इज द मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम जूम, एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम जूम क्या होता है, दो सौ पचपन होता है कि 256 होता है, एक बार क्लियर करो, 255 होता है या 256 होता है, मुझे तो लग रहा है 256 होता है, 256 होता है, आप लोगों को क्या है, देख लेना उसको, 256 ही होता है शायद, यहां देखो अगर मैं बात करूं मिनिमम और मैक्सिमम जूम वर्ड की बात कर रहा है तो वर्ड में 10% और 500% होता है, और पावर पॉइंट और एक्सेल में 400% होता है, तो ये बी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, इसका बी आंसर करेक्ट होगा, दो सौ छप्पन नहीं होता है, तो तुम ही लोगों में से कुछ लोग बोल रहे हैं 256 होता है, चेक कर लो 256 होता है, 256 ही होता है, चेक कर लो, इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 बाय विच यू कैन कॉपी योर एनिमेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, वो फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्या कहलाएगा, जब हम किसी एनिमेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है किसी में उसको हम कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में पेस्ट कर दें, वो क्या कहलाता है, एनिमेशन रिपीटर, एनिमेशन कॉपियर, एनिमेशन सेलेक्टर या एनिमेशन पेंटर, ये मैंने क्वेश्चन भी कराया आप लोगों को, कहां चेक किए हो आशीष, कहां चेक किए हो, किस पे देखे हो कि 255 होता है, दो सौ छप्पन होता है भाई, ऑथेंटिक जो होता है 256 होता है, माइक्रोसॉफ्ट की खोल लो, माइक्रोसॉफ्ट की साइट खोल लो, माइक्रोसॉफ्ट की साइट खोल लो, वहां देख लो, माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट होती है वहां पे आपको देखेगा पूरे वर्जन का दिया हुआ है 256 होगा, ठीक, एनिमेशन पेंटर होगा इसका, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंटर द करेंट टाइम एंड डेट इन ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड, और नहीं हो तो किसी के पास 2003 हो तो देख लो स्क्रॉल करके, यहां आ जाओ, नोट पैड विच शॉर्टकट की यूज टू इंटर द करेंट टाइम एंड डेट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग नोट पैड, नोट पैड में करेंट और डेट और टाइम आपको बताना हो तो किस शॉर्टकट की से होगा, माइक्रोसॉफ्ट की देखो साइट में जो भी ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन लेना हो खासकर ये सब रो टेबल कॉलम, ठीक है, कैसे कैसे चेंज हुए, 16 तक तो यही है, 19 में क्या चेंज हुआ अभी उतना नहीं पता है,
लेकिन मुझे लग रहा है जितना इधर है उतना ही उधर भी होगा। इसका क्या आंसर होगा? इसमें आंसर बताओ, विच शॉर्टकट की यूज टू इंटर द करेंट टाइम एंड डेट इन ए डॉक्यूमेंट इन नोट पैड। नोट पैड में आपको अगर करेंट डॉक्यूमेंट आपको डेट और टाइम करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की अपनाओगे? F5। चलो ठीक है, तो आंसर क्या होगा? F5 से आप क्या करोगे? नोट विच शॉर्टकट की यूज टू इंटर द करेंट टाइम एंड डेट इन ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग नोट पैड। ठीक है, तो F5 से होगा। अगला क्या है? व्हेन ए टाइपिंग टेक्स्ट द राइट मार्जिन इज फेस टू द इंसर्शन पॉइंट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न टू द बिगिनिंग द टेक्स्ट दिस फ्रेम इज कॉल्ड। बोला जब हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को तो राइट मार्जिन इज फेस टू इंसर्शन पॉइंट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न टू द बिगिनिंग द टेक्स्ट दिस फ्रेम इज कॉल्ड ड्रॉप कैप वर्ड रैप वर्ड आर्ट और या क्लिप आर्ट। वो क्या कहलाएगा? वर्ड रैप कहलाएगा। जो आपका राइट साइड में जो मार्जिन छूटता है वो रैपिंग ही कहलाती है, तो उसको वर्ड रैप ही कहा जाता है। आर्ट ओट तो और क्लिप आर्ट तो ये नहीं होगा। ड्रॉप कैप क्या होता है? जब किसी का पहला लेटर बड़ा होता है, जैसे ऐसे न्यूज़पेपर में देखे होगे, तो उसी को ड्रॉप कैप कहते हैं। तीन होता है बाय डिफॉल्ट। द मीनिंग ऑफ कैरेट ऑपरेटर इन MS Excel, इसका क्या मीनिंग होता है ऑपरेटर का, इस ऑपरेटर का? तो इसका मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ये पावर होता है। अगला है ये प्रश्न 96, अपर क्लीन में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? अपर क्लीन में यहां पर ये टाइप करने वाले ने गलत लिख दिया, यहां यहां पे ऐसे होना चाहिए, ऐसे था। अपर क्लीन में ऐसे होगा तो इसको अपर केस में बदल देगा। किस में बदल देगा? अपर केस में बदल देगा, तो ये क्लीन में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये क्लीन में होगा, उसको अपर में बदल देगा, ऐसे क्लीन में होगा। ठीक है, 97 देख लो। एमएस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट वुड यू यूज टू डॉटेड अपीयरेंस ऑफ ए न्यू स्लाइड थ्रू द ओल्ड स्लाइड इन ए स्लाइड शो। क्या कहा जाता है पावर पॉइंट में? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट वुड बी यूज फॉर डॉटेड अपीयरेंस ऑफ ए न्यू स्लाइड थ्रू ओल्ड स्लाइड शो? जब डॉटेड करके एक आता है ना, जब एक स्लाइड शो से दूसरे स्लाइड शो में जाते हैं तो वो अजीब सा डॉटेड डॉटेड करके जब आता है, डॉटेड अपीयरेंस दिखता है, ट्रांजिशन दिखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको डिसॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसॉल्व कहते हैं। विच स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल? जब आपसे फॉन्ट साइज टूल के बारे में बात करे तो आप मिनिमम 8 मैक्सिमम 72 बोलोगे। 99, द स्टाइल ऑफ ड्रॉइंग हॉरिजेंटल लाइन थ्रू इच वर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, हर एक वर्ड पर मान लो यहां पे मैंने नेम लिखा और यहां पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दिया, तो इसको क्या कहते हैं? इस चीज को क्या कहा जाता है? स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। द बुलेट स्टाइल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द मेनू। ठीक है, द बुलेट स्टाइल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द मेनू। किस मेनू से करते हो? व्यू, एडिट, इंसर्ट या फॉर्मेट? जल्दी से बताओ, जो बुलेट होता है आपका वो किस मेनू से करते हो? जो बुलेट क्या बोला? द बुलेट स्टाइल कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम द मेनू, व्यू, एडिट, इंसर्ट या फॉर्मेट। क्या आंसर दोगे इसका? देखो, बुलेट तो आपका होम वाले में होता है, और कहां होता है बुलेट? और कहीं होता है?
फॉर्मेट में देखो यहां पे बोला कि किसमें होगा, द बुलेट स्टाइल कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द फॉर्मेट मेनू। कहां से? फॉर्मेट मेनू से आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट मेनू से सेलेक्ट करोगे आप। चलो तो ये 100 क्वेश्चन आपके रहे। ठीक है, इसमें क्या करोगे, फॉर्मेट मेनू से आप सेलेक्ट करोगे। फॉर्मेट मेनू आपको दिखता नहीं है, जब आप डायलॉग बॉक्स खोलोगे ना फॉर्मेट वाला, तो उसमें आपको आएगा, वो डायलॉग बॉक्स जो होता है फॉन्ट वाला, उसमें आपका फॉर्मेट मेनू आता है। ठीक, आ जाओ। तो ये आपके 100 क्वेश्चन रहे, बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या हो कल और भी इससे क्वेश्चन करेंगे। आपकी संख्या बस दिन पे दिन कम होती जा रही है। ऐसा क्यों है, एग्जाम नहीं देना है क्या किसी को? गुड नाइट सभी को, मेरी दूसरे क्लास की टाइम हो रही है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोग एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। यूपीपीसीएल और जेसीए के लिए कंप्यूटर स्पेशल क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के बारे में। 2 सेशन हो चुका है, 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज के सेशन में भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो सभी लोग, जो लोग भी इस 50 क्वेश्चन को करना चाहते हैं, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और इसकी पीडीएफ जो है, आप लोग मांग रहे थे 100 क्वेश्चन की पीडीएफ, आप आपके पेड बैच में लगा दी गई है, वहां से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग मीनू जी, गुड इवनिंग सिमरन जी, गुड इवनिंग दीपक जी, हर हर महादेव, महादेव का नाम लीजिए और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। प्रगति जी गुड इवनिंग, आशीष जी, आशीष जी ग्रुप में नहीं, आपको ये क्लास दी जा रही है जो पेड और उसमें है, आप लोग जो है पेड वाले से डाउनलोड कर लीजिए। राणा जी गुड इवनिंग, चलिए प्रेमपाल जी हर हर महादेव, एक बार सभी लोग शेयर करिए। अभिनव चौहान जी गुड इवनिंग, महेश जी गुड इवनिंग, प्रियंका जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग एक बार शेयर करिए। हिमांशु जी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, पहला आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर कमेंट करिए क्या सही जवाब होगा, इसका आंसर कमेंट करिए क्या जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक का कौन सा एक प्रकार नहीं है, और पेज, नेक्स्ट पेज, कॉलम या इवन पेज। सेक्शन ब्रेक का कौन सा आपका नहीं है, बोला है कौन सा टाइप नहीं है सेक्शन ब्रेक का, एक बार बताइए। अमित जी बता रहे हैं बी होगा, ए आर भारती जी बी बता रहे हैं, निर्मल जी सी बता रहे हैं, सौरभ जी बी बता रहे हैं, अमित जी बी बता रहे हैं, राहुल जी कॉलम को बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, सेक्शन ब्रेक जो आपका जहां पेज ब्रेक होता है उसी में होता है, लेकिन कॉलम ब्रेक, इवन पेज, नेक्स्ट पेज और पेज होता है ब्रेक का, लेकिन कॉलम ब्रेक नहीं होता है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सेक्शन ब्रेक। ठीक है, जहां आपका क्या होगा, ब्रेक पेज आता है ना जहां पर, उसको जब ओपन करोगे तो वहीं में आपका सेक्शन ब्रेक आता है, उसी में यहीं पे लिखा रहता है सेक्शन ब्रेक और यहां पे आपके ऑप्शन रहते हैं, तो उसको जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड, एक पोर्ट्रेट होता है और एक आपका कैसा होता है, ऐसा होता है लैंडस्केप, उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप मोड कहते हैं।
तो दो प्रकार के आपके पेज का ओरिएंटेशन होता है, सभी लोग एक बार शेयर करिए। बहुत बढ़िया, ए आंसर निर्मल जी, सौरभ जी, राहुल जी, प्रगति जी, अमित जी, सभी लोग ए के साथ जा रहे हैं, एकदम सही जवाब है। तीन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द स्टेटस बार इज डिस्प्ले ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो। ठीक है, स्टेटस बार कहां होता है, टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में या राइट में? यह क्वेश्चन कराया गया है तो यह बॉटम पे ही होता है जो स्टेटस बार होता है। यस जी, शास्त्रीय काल, आशीष जी का आंसर ए है, भारती जी का बी, सोनी जी का सी है, प्रेम जी का सी है, सभी लोग इसमें सी के साथ सही जा रहे हैं। बोला एमएस एक्सेल व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटो सम फीचर, ऑटो सम फीचर का क्या यूज होता है, टू गेट द टोटल सम वैल्यू ऑफ ए वैल्यू इन द रेंज ऑफ न्यूमेरिक से, टू गेट द टोटल काउंट ऑफ रो, टू गेट द टोटल काउंट ऑफ से, टू गेट द टोटल काउंट ऑफ कॉलम। जल्दी से बताइए इसमें क्या सही जवाब होगा। हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा, टू गेट द टोटल सम वैल्यू ऑफ ए वैल्यू इन द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल सेल। जो भी सेल आपका दिया होगा, जो भी आप मान लो यहां पर आपका सेल बना है ये, ठीक है, और यहां पे आपने ऑटो सम लगाया है, तो जो भी रेंज का ये सम होगा वो यहां पर आपको क्या करेगा, वो शो करेगा। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जितने लोग ए के साथ जा रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए। कामनी जी, सिमरन जी, आशीष जी, अमित जी, निशु जी, ए आंसर होगा, डी वाले नहीं होंगे, कॉलम को नहीं काउंट करता है, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, जो भी रेंज आप सेलेक्ट करोगे उसका आपका आंसर देगा। व्हाट इज द फॉलोइंग रिफरेंस टाइप, ये कैसा रिफरेंस है, मिक्स रिफरेंस, एब्सोल्यूट, कॉलम या रिलेटिव, कैसा रिफरेंस है ये बताओ। अरे यार, क्लास तो हो रही है, आप कौन सी क्लास होगी आपकी, मैक्सिमम तो हो चुकी है आपकी, आप प्रैक्टिस करो। ये एकदम एब्सोल्यूट है क्योंकि डॉलर साइन कॉलम के बाद भी लगा हुआ है और रो के बाद भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे टू होगा, ठीक है, बी टू होगा, ये मिक्स हो गया है, तो ये एब्सोल्यूट होगा, क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफरेंस होगा, एब्सोल्यूट रिफरेंस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफरेंस टू या थ्री होगा, यहां पर एक आपका छूट गया है। यहां बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा, इस एक्सेल फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा, जल्दी से बताइए, इस एक्सेल फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक बार सभी लोग शेयर करिए, प्रगति जी, निर्मल जी, अमित जी, इसका सही जवाब क्या होगा, आयुष जी, फोर होगा, सिक्स का सी होगा, बी होगा, फोर होगा, बी आ रहा है, फोर आ रहा है, बी आ रहा है, चलो कुछ लोग बोल रहे हैं फोर। देखो लेंथ, ये क्या होता है, जो भी आपके टेक्स्ट होता है उसका लेंथ निकालता है, तो यहां पर नेम में कितने करेक्टर हैं, एक दो तीन चार करेक्टर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चार सही होगा जिसने दिया है आंसर, आठ कैसे होगा। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेल्प यू थ्रो द प्रेजेंटेशन ऑफ, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का माध्यम से, किसके माध्यम से, कैप्शन के माध्यम से, विजार्ड के माध्यम से, फॉन्ट या कलर, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेल्प यू थ्रो द प्रेजेंटेशन ऑफ क्या, क्या होगा आंसर, फॉन्ट नहीं होगा। सिमरन जी ये बोला एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेल्प यू थ्रो द प्रेजेंटेशन ऑफ, कैप्शन का प्रेजेंटेशन करता है, विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जो प्री डिफाइंड आपके टेक्स्ट होते हैं, एज ए टेम्पलेट मान सकते हो, विजार्ड में ऑटो कंटेंट होता है, उसी का क्या करता है, प्रेजेंट करता है, जो आपका विजार्ड बना उसी को करता है, बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड अलाउ टू यूजर टू टाइप ए टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड इट, जो एमएस वर्ड होता है वो आपका किसमें जो है टेक्स्ट को जो है लिखने के लिए आजादी देता है, केबल में, प्रिंट में, कॉलआउट्स में या नंबर ओनली में। देखो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो कॉलआउट होगा, कॉलआउट का मतलब ऐसे जो आपका बनता है ना, कभी देखे होगे कि यहां पे कोई है और कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उसको डोनेट करके ये वाला जो आपका सिंबल बनता है कॉलआउट बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हो, तो वही बोला कॉलआउट में आपका क्या होता है, टेक्स्ट आप इंटर कर सकते हो।
कॉल आउट सी आंसर होगा। इसको मैंने आपको उस वाले में भी कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेज मार्जिन, इसमें से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है। हाँ, जैसे कॉमिक में होता है, जैसे कॉमिक में नहीं होता था ऐसे वाला सिंबल, किसी को बुलाने के लिए कोई कुछ बोलता है तो आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे, तो उसी को बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेज मार्जिन, पेज मार्जिन क्या नहीं है। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, सेंटर का मार्जिन नहीं होता है। सेंटर जो होता है वो मार्जिन में नहीं होता है भाई साहब। सेंटर का टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, मार्जिन आपका क्या पेज है ये, और पेज का मार्जिन क्या होगा, ये होगा ऊपर छूटा रहता, इधर छूटा रहता और इधर छूटा रहता, यही तो मार्जिन होता है आपके चारों साइड में। तो सेंटर में कोई मार्जिन नहीं होता है, डी आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन वर्ड टेबल कैन बी, जो वर्ड में आप टेबल बनाते हो इसमें रो और कॉलम के नंबर ऑफ संख्या मिनिमम क्या हो सकता है। मिनिमम एक और रो भी एक हो सकता है, मिनिमम रो और कॉलम एक एक हो सकता है। सोनी जी, इसकी पीडीएफ आपके पेड क्लास में लगा दी गई है, ठीक है। अभी फ्री क्लास आपको यूट्यूब पे इसकी जो पीडीएफ है वो पेड वाले बच्चों को मिल रहा है, कुछ तो हमें डिफरेंस करना पड़ेगा ना। अ स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ, जो स्प्रेडशीट है आपका वो क्या कंसिस्ट, कितने कॉलम रहते हैं बताओ। 257, 254, 256, 255। जब ऑप्शन में आपका ऐसे है तो समझ लो किसके बारे में पूछ रहा है, 2003 के बारे में पूछ रहा है, ना कि 2007 से ऊपर पूछ रहा है, ठीक है। क्या आंसर दोगे, देखो इसमें एक्सटेंशन भी, जो 2003 की फाइल होती थी उसमें एक्सेल का एक्सटेंशन XLS होता था, लेकिन अब क्या है, XLX है, ठीक है, ये है 2007 के बाद से, ठीक। तो यहां पर 256 अभी कल ही हमने जिक्र किया था, तो सी होगा इसका आंसर, 256 करेक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 256 होगा। आ जाओ, बोला यहां पे 12 नंबर, इज यूज टू एक्सपेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ ए पैराग्राफ इनटू वन और मोर लाइन। बताओ एक पैराग्राफ को एक से ज्यादा लाइन में एक्सपेंड करने के लिए इसमें से क्या यूज किया जाता है। टेबल ये तो नहीं हो सकता, कैप्स नहीं हो सकता, ड्रॉप या मार्जिन, मार्जिन भी नहीं हो सकता, ड्रॉप कैप, ठीक है। पैराग्राफ को जैसे न्यूज़पेपर में देखे होंगे एक से ज्यादा लाइन में लिखा रहता है ऐसे एक पैराग्राफ, तो ये तीन लाइन ले लिया ना ये पूरा पैराग्राफ जब लिखा रहता है तो, ठीक है। तो ड्रॉप कैप के वजह से होता है, किसके वजह से होता है, ड्रॉप कैप के वजह से होता है। एक बार सभी लोग शेयर करो भाई सेशन को जोरदार तरीके से, ऐसे कैसे काम चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए विंडो बेस्ड पैकेज, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो विंडो बेस्ड पैकेज है। क्या होता है, स्प्रेडशीट, प्रिंट, स्टाइल शीट या प्रेजेंटेशन, तो इसमें आपके स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ए आपका एकदम सही है, जबरदस्त। महादेव का नाम लो, एक बार सेशन को शेयर करो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो अलाउ यूजर टू टाइप ए फाइल नेम अप टू अ करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेसेस, स्पेसेस को लेकर कितने करेक्टर तक किसी फाइल का नाम हम रख सकते हैं। अभी कल ही हमने जिक्र किया था, कल ही जिक्र किया था फाइल का नाम कितने करेक्टर तक हो सकता है मैक्सिमम, मिनिमम एक और मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम आपका एक हो सकता है और मैक्सिमम 255 करेक्टर हो सकता है, 255 करेक्टर हो सकता है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा, किसी भी फाइल का जो नाम होगा सेव करने के लिए वो। अगला है द स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, किसी कोई भी स्पेशल इफेक्ट हम जब स्लाइड में डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जब स्लाइड टू स्लाइड इफेक्ट डालोगे किसी टेक्स्ट में नहीं डाल रहे हो तो वो कहलाएगा आपका क्या, ट्रांजिशन कहलाएगा, और किसी टेक्स्ट या इमेज में डाल रहे हो तो वो एनिमेशन कहलाएगा। विच शॉर्टकट की आर यूज टू ओपन द फॉन्ट साइज बॉक्स, फॉन्ट साइज बॉक्स जो आता है उसको ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की लेते हैं। कल एक क्वेश्चन था हम लोगों का कंट्रोल शिफ्ट F1, वो F1 नहीं F12 होगा, कंट्रोल शिफ्ट F12, टाइपराइटर ने गड़बड़ कर दिया था, तो ये आपका प्रिंट के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए होता है। और जो कुछ लोग कह रहे थे कंट्रोल F1 जो होता है ना ये आपका हाइड करने के लिए होता है वहां पर एक्सेल में,
रिबन को। तो आंसर इसका क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ ओपन हो जाएगा आपका। एमएस वर्ड 2013 सॉर्ट बाय ऑप्शन इज यूज्ड फॉर, जो सॉर्ट बाय ऑप्शन होता है वो किस लिए यूज होता है 2013 में, टू डिलीट द कंटेंट ऑफ द टेबल नहीं, टू अपडेट द कंटेंट ऑफ द टेबल, टू सॉर्ट द, ये भी नहीं होता अपडेट के लिए नहीं, टू सॉर्ट द कंटेंट ऑफ द टेबल, टू अपेंड द कंटेंट ऑफ द टेबल नहीं, टू सॉर्ट द, सॉर्ट वाला जो होता है आप टेबल को नंबर से अल्फाबेट से सॉर्ट कर सकते हो, इसके लिए होता है, सॉर्ट के लिए होता है। सॉर्ट का मतलब होता है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई डेटा आप सेट कर रहे हो, तो इसके लिए सॉर्टिंग वाला जो ऑप्शन होता है वो दिया जाता है। आ जाओ, बोला व्हाट इज द शॉर्टकट की शो एंड हाइड रिबन बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वही आ गया ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिबन को हाइड करने के लिए और शो करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा। हाँ, सी में पढ़ा था ना, सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट, हिप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्यों पढ़ा है कि नहीं ये सब। हाँ, तो यहां क्या होगा जल्दी से बताओ, यहां कंट्रोल F1, अभी मैं बताया हूं कंट्रोल F1 से रिबन जो होता है आपका एक्सेल में वो हाइड और शो होने लगता है। अगला प्रश्न देखो, यहां पर क्या होगा, व्हाट विल द एमएस एक्सेल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑड लिखा है ऐसे, ऑड का मतलब इससे अगली वैल्यू ऑड क्या होगी, इससे अगली वैल्यू ऑड क्या होगी जल्दी से बताओ। 45 के बाद 46 ऑड नहीं होता, 47 ऑड होगा, क्या होगा, 47 ऑड होगा, 347 होगा, नहीं फॉल्स क्यों आएगा, फॉल्स क्यों आएगी वैल्यू, नहीं पॉइंट में तो इससे थोड़ी मतलब कि फॉल्स आएगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मूला टू चेक वेदर द वैल्यू इज सेल ए वन इज इवन और ऑड, वेदर द नेक्स्ट डिस्प्ले द अकॉर्डिंग टू इफ मॉड इज इक्वल टू, इवन पे क्या होगी, 346 जल्दी से बताओ इसको, लो हट गए, इसका क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला टू चेक वेदर द वैल्यू इज सेल ए वन इज इवन और ऑड एंड वेदर द नेक्स्ट इज डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू, बताओ कौन सा होगा, इफ मॉड ए वन इज टू इक्वल टू जीरो ऑड या इवन, ये तो नहीं होगा ना, अगर टू इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर इसकी वैल्यू दो से डिवाइड करने पर जीरो आ जाएगा तो वो ऑड थोड़ी होगा, ये फॉर्मूला तो गलत हो गया, अगर जीरो होता है तो इवन प्रिंट करेगा, नहीं जीरो होता है तो ऑड प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो थोड़ा मोड़ा कर लो तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, अगर मॉड ए वन की वैल्यू जीरो होती है तो इवन, अदरवाइज ऑड, ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि जीरो हो गया तो पहले ट्रू, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन होती है, फॉल्स होती है, तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स कंडीशन होगा, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाला वैल्यू निकालेगा, तो जीरो तभी होगा ना जब इवन होगा, तब ये प्रिंट होना चाहिए, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला गलत तरीके से लिखा हुआ है। हाँ, करके देख लो भैया, नहीं विश्वास है हमारे पर तो। पावर पॉइंट विंडो विद आउट टू यू स्विचिंग द फुल स्क्रीन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 अलाउ यू टू प्ले अ स्लाइड, जल्दी से बताओ, पावर पॉइंट विंडो विद आउट टू यू स्विचिंग द फुल स्क्रीन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 अलाउ टू प्ले ए स्लाइड शो, बताइए क्या होगा, रीडिंग व्यू, नोट पेज, स्लाइड मास्टर या आउटलाइन व्यू। बिना मोड स्विच किए आपका फुल स्क्रीन, बोला है पावर पॉइंट विंडो विदाउट टू यू स्विचिंग द फुल स्क्रीन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 अलाउ यू टू प्ले स्लाइड शो, तो क्या हो जाएगा, कौन सा, रीडिंग व्यू, विदाउट रीडिंग व्यू टू यू स्विचिंग द फुल स्क्रीन, बिना रीडिंग व्यू पे जाए हम स्लाइड शो नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
ए हो जाएगा, ठीक है। बिना उसके स्लाइड शो की सुविधा कौन देता है, यही देता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक लिस्ट लिमिट एमएस वर्ड 2016 प्रोसेस रेंज ऑफ द प्रोसेस डायग्राम टू मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफ ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम सच एज वेन डायग्राम, ये किसमें होता है। जैसे क्या हो गया, मैंने कहा कि आपको और भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कुछ आपके हायरार्किकल टाइप के हो गए, ट्री टाइप के, वो किसमें होता है, 3D मॉडल में, शेप में, स्मार्ट आर्ट में या यूएशंस में। हाँ, स्मार्ट आर्ट में होता है। वेन डायग्राम वगैरह किसमें होता है, स्मार्ट आर्ट में होता है। एकदम सही जवाब, स्मार्ट आर्ट में होता है ये जितने भी चीजें होती हैं। व्हाट इज वन थिंग दैट ऑल फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल हैव इन कॉमन, क्या इसमें से एक चीज होता है एमएस एक्सेल के फॉर्मूला में कॉमन। दे ऑल गिव द टेक्स्ट इन द रिजल्ट, नहीं। दे ऑल गिव इंटीजर इन द रिजल्ट, नहीं। दे ऑल स्टार्ट विथ एन एट द रेट साइन, नहीं। दे ऑल स्टार्ट विथ इक्वल साइन, ये आपका सब में कॉमन होता है कि जितने भी फॉर्मूला होंगे वो किससे स्टार्ट होगा, इक्वल टू साइन से होगा। लग रहा है आप लोगों को अब एग्जाम देना नहीं है, इसलिए पहले दिन क्लास में अच्छे खासे लोग थे, लेकिन अब आप लोगों के जो पढ़ने का मन है वो हट रहा है। तो अगर आपके पढ़ने का मन हट जाएगा तो हम भी हट जाएंगे आपके पीछे से मेहनत करने में। तो ऐसा ना करो, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है कि क्वेश्चंस को ढूंढा जाता है प्रीवियस ईयर, फिर आपको कराया जाता है। तो फिर क्यों एडमिशन लेते हो तुम लोग कोर्सेज में। द प्लेस इन एमएस एक्सेल दैट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द करेंट सेल अलोंग विद द कंटेंट ऑफ सेम सेल इज कॉल्ड, बोला है कि एमएस एक्सेल का वो स्थान जो वर्तमान सेल के विषय वस्तु को उसी प्रकार प्रदर्शित करता है एक तरह से। बताओ किसमें, द प्लेस ऑफ एमएस एक्सेल दैट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द करेंट सेल अलोंग विद द कंटेंट ऑफ द सेम सेल इज कॉल्ड द, उसको क्या कहा जाएगा। देखो फॉर्मूला बार में जाओगे तो जो सेल का एड्रेस रहेगा वही चीजें फॉर्मूला में भी दिखाता है, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला बार। ए आंसर होगा फॉर्मूला बार। इन द रन कमांड डायलॉग बॉक्स, रन कमांड जब आप विंडो के साथ, विंडो बटन के साथ क्या दबाते हो, आर दबाते हो, तो ऐसे कमांड खुल के आता है विंडो, ठीक है, रन कमांड। अब इसमें आप क्या लिखोगे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाए, तो इसमें लिखोगे विन वर्ड, क्या लिखोगे विन वर्ड, तो यहां पे विन वर्ड भी लिख दोगे तभी खुल जाएगा, या विन वर्ड डॉट ईएक्सई भी लिख दोगे तभी भी खुल जाएगा, ठीक है। आंसर आपका बी करेक्ट होगा। 26 नंबर प्रश्न आप आ जाइए। प्रगति जी, निक जी, आशीष जी, अच्छा इसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट ए सेल C1 सो दैट बोथ द कॉलम एंड द रो आर एब्सोल्यूट, बताओ C1 को कैसे किया जाए कि रो और कॉलम एब्सोल्यूट हो, इसमें से बताओ कौन सा सही होगा। एब्सोल्यूट बनाने के लिए इसमें से कौन सा सही होगा। देखो अगर आपको कॉलम को एब्सोल्यूट बनाना है तो ये कॉलम होगा, इसके आगे डॉलर लगा दो। रो को अलग बनाना है तो रो के आगे डॉलर लगा दो, तो ये साइन जहां होगा वही एब्सोल्यूट होगा। ये डी आंसर करेक्ट होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। चल, द शॉर्टकट की टू इंटर ऑटो सम फंक्शन, ऑटो सम फंक्शन 2000 मतलब एक्सेल में लगाने के लिए क्या शॉर्टकट की है। हाँ, डॉलर आगे होगा। ऑटो सम लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, ऑटो सम, हाँ एकदम सही जवाब। कौन दिया है एक बार देख लें, आयुष जी, आर्ट प्लस इक्वल टू से ऑटो सम फॉर्मूला लग जाता है, ये आपका सी आंसर सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। टू अंडरलाइन ओनली वर्ड इन ए सेंटेंस लीविंग स्पेस बिटवीन द वर्ड यू कैन प्रेस, मतलब जान लो जैसे ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसको अंडरलाइन करे, इसको अंडरलाइन करे, इसको अंडरलाइन, स्पेस को छोड़कर जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। ये पढ़ाया है मैंने क्लास में आप सभी को, जल्दी से बताओ क्या होगा।
हाँ सभी लोग यू को देखे नहीं तो यू का मतलब अंडरलाइन होता है, और मैंने यही बताया था क्लास अच्छे से देखना, एक एमसीक्यू भी जो कराया हूं उसमें भी ये क्वेश्चन मैं कराया हूं। सबके सब डी के साथ जा रहे हैं लेकिन सिमरन ने अपना आंसर बदल दिया, सी के साथ जा रही हैं। दीपक जी बी के साथ जा रहे हैं, भारती जी सी, तो सी वाले सही है। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू होगा, यू के साथ मत जाओ, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है लेकिन वो पूरा अंडरलाइन होता है। आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट यू नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू होगा, करके देखो। ठीक है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। आ जाओ, इन एमएस वर्ड 2010 विच टैब कंसिस्ट ऑफ द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज, पेज का बैकग्राउंड कलर करने के लिए किस ऑप्शन में जाओगे, बताओ इसमें क्या सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, पेज लेआउट में जाओगे तो वहीं पर पेज लेआउट के बाद आपका क्या होता है, एक कमांड ग्रुप होता है, कौन सा होता है पेज लेआउट में, जहां आपका पेज का कलर दिया होता है, पेज बैकग्राउंड कमांड ग्रुप होता है, उसी में पेज कलर होता है, उसी में आपका ऐसे पेज बना होता है और ऐसे आपकी बाल्टी ऐसे लटकी रहती है। ठीक है, तो वही पेज कलर होता है, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका बताओ, अ फाइल विद द फाइल एक्सटेंशन इज अ वर्ड ओपन इन एक्सएमएल मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल, मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जो मैक्रो होता है ना रिकॉर्डिंग वाली फाइल, उसका एक्सटेंशन बोला उस अगर इनेबल हो तो उसका डॉक्यूमेंट फाइल क्या होगा। जल्दी से बताइए, क्या होगा इसमें, डीओ डॉट डीओसीएम होगा, डॉट डीओसीएम जो होता है, एम जो होता है ना, मैक्रो इनेबल बताता है, ये क्या बताता है, मैक्रो इनेबल। इन एमएस वर्ड कंट्रोल होम इज यूज्ड किसके लिए यूज होता है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कर्सर है उसको शुरुआत से करने के लिए, या मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, या पैराग्राफ ऑफ लाइन, या ऑल ऑफ द अबव, कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा। चलो ए आंसर दे रहे एकदम सही, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, ए आंसर आपका सही होगा इसका। व्हाट डस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस की इफेक्ट, इससे क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, यह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और क्वेश्चन भी कराया है। हाँ बी एकदम सही, सुपर स्क्रिप्ट लगेगा, क्या लगेगा, मान लो एक्स की पावर स्क्वायर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट लगेगा। टू अपडेट द फॉर्मूला इन ए टेबल प्रेस, कोई भी फॉर्मूला अपडेट करना है टेबल में तो क्या प्रेस करोगे, कहां डिजाइन टैब में है, ऑप्शन कहां है, वहां पे डिजाइन है, ऑप्शन के साथ जाओ ना भाई, कहां गया, एक ही चीज रट लगा के बैठे हो, यहां डिजाइन टैब कहां है बताओ, कहां डिजाइन है, ऑप्शन में जो रहेगा वो तो दावे 2010 के का, 2013 और 16 में डिजाइन टैब आया है नया, यहां ऑप्शन में है डिजाइन, क्या मैं क्या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये बताओ, जाओ 2010 खोल के देखो, 2010 खोलो एक बार, यहां ऑप्शन में क्या दिख रहा है तुम्हें, डिजाइन दिख रहा है,
साफ साफ पेज लेआउट में जाओगे, थीम होता है, पेज सेटअप होता है और पेज बैकग्राउंड होता है। ज्यादा चलाक ना बना करो, जैसा ऑप्शन हो वैसा किया करो। फिर बहुत ज्यादा ज्ञानी हो तो आते हो क्यों क्लास में? एचके भक्ति सागर जी, क्या है बताइए, क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है बताओ, बताओ क्या है, क्या जानते हो? कोई यहां पे चीजें मेंशन किया गया है कि कौन से वर्जन से पूछा गया है? दिमाग घास चरने गई है तुम्हारा? आता जाता कुछ नहीं है, बस कह दो करने के लिए, जाना ऐसे करना वहां पर, फिर एग्जामिनर तुम्हें बताएगा अच्छे से, मिलेगा नंबर। चलो, इनको लगता है कभी वर्ड खोल के देखे नहीं होंगे एमएस वर्ड कैसा दिखता है। लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं, वहां ना वर्जन लिखा ना कुछ लिखा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दोगे कि अपने अकॉर्डिंग आंसर दोगे? आ जाओ, टू अपडेट ए फॉर्मूला इन ए टेबल, एक एक टैब से मैं क्वेश्चन खोज के लाता हूं कि आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। To update a formula in a table, press the कौन सा बटन हम प्रेस करेंगे? F9, बहुत बढ़िया। F9 कीज के हम अब फॉर्मूला टैब पर दबाएंगे तो हम फॉर्मूला को क्या करेंगे? बोला अपडेट अ फॉर्मूला अ टेबल, प्रेस द F9। किसी भी टेबल में हमें अपडेट करना होगा फॉर्मूला को। अच्छा, फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल में ही लगा सकते हो, आप वर्ड के टेबल में भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या गलत है भाई साहब, तनी हमें भी बता दो क्या गलत है, क्या गलत है? तुम जाओ एक बार देख के आओ, अगर गलत प्रूफ कर दो तो बताओ। जाओ देख के आओ एक बार, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बता दे रहा हूं कहां आया हुआ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 10 क्वेश्चन आता है एसएससी के द्वारा, वो क्वेश्चन है ये, और जाओ आंसर की तुम्हें मिल जाए अगर मुफ्त में तो ले लेना उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टूल बार डिस्प्ले इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफॉल्ट। वही तो बोल रहा हूं, कुछ लोग बिना देखे आ जाते हैं तीर मारने, उनको और कुछ नहीं होता है। द फॉलोइंग टूल बार्स डिस्प्ले इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफॉल्ट, इसमें से कौन सा टूल बार डिस्प्ले करता वर्ड में एप्लीकेशन के बाय डिफॉल्ट? फॉर्म टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्रॉइंग टूल बार और ऑफ द अबव। अब देखो कुछ चीजें यहां पर 2003 के सापेक्ष में पूछता है। अभी आपको अगर मैं बताऊं तो यहां से कोई भी आपका जो टूल बार होगा, जो भी देख रहे हो, फॉर्म टूल बार, ड्रॉइंग टूल बार, अभी के वर्जन में आप नहीं पाओगे, ठीक है? अभी के वर्जन में आप नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन ओल्ड वर्जन से है। क्यों है? क्योंकि अगर आपको ऑप्शन पता रहेगा कि आज के समय में कोई भी विंडो में आपको बाय डिफॉल्ट यहां से नहीं दिखता है, एप्लीकेशन विंडो बाय डिफॉल्ट नहीं दिखता है। यह 2003 में दिखता था। किसमें? 2003 में जब जाओगे तो उसमें आपको फॉर्मेटिंग टूल बार दिखता है, वहां पे एक टूल्स ऑप्शन भी होता था। 2003 में जब जाओगे ना, टूल्स ऑप्शन भी होता था। वर्ड 2003 में बाय डिफॉल्ट आपको जो बार दिखता है, फॉर्मेटिंग टूल बार एक होता था, ठीक है, और उसमें एक टूल्स ऑप्शन भी होता था, जो 2007 के बाद चीजें हट गई। तो 2003 का वर्जन होगा, जो 2003 का वर्जन जिसके पास होगा वो देख लेगा, बी आंसर होगा।
ये ऑप्शन भी 2003 के सापेक्ष में सेट किया गया, इसीलिए 2007 के कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब 2007 के बाद जो भी आपके बार हैं टैब बार उसका कोई भी ऑप्शन यहां नहीं दिया गया है, कम चांसेस हैं पूछने का बस। द फोर टाइप ऑफ मेल मर्जर मेन डॉक्यूमेंट आर, चार प्रकार के मेल मर्जर होते हैं, जो मेल मर्जर होता है आपका कहां होता है ये पहले बताओ, किसमें होता है मेल मर्जर, मेलिंग होता है, पेज लेआउट के बाद जाओगे रिफरेंस होगा, रिफरेंस के बाद मेलिंग होगा, मेलिंग में जब जाओगे तो वहां पे आपका मर्जर होता है, मर्जर मेल मर्जर मतलब आप मेल बना के, मेल मर्जर का काम होता ही है, जैसे क्या होता है ना एक ही डॉक्यूमेंट है, सपोज करो आपको किसी को इनविटेशन भेजना है तो आपने यहां लिखा डियर, यहां नाम, यहां एड्रेस, तो इन सब चीजों को आप बदल सकते हो, कंटेंट तो आपका वही रहेगा ना कि मैं आपको इनवाइट करता हूं, इस दिन हमारी शादी है आना है, जो भी चीजें होगा बाकी ये चीजें बदलेंगी। तो वहां पे क्या करेंगे हम, जब एक टेबल बनाते हैं पूरा पूरा एक लोगों का टेबल बना लेते हैं, चाहे आप पहले से बनाए हो एक्सेल में तो उसको आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो उसमें, ठीक है, तो उसमें आपका नाम, कंटेंट नंबर, एड्रेस, उसके थ्रू क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके ये टेम्पलेट बनाए रहोगे अपने आप यहां चेंज हो जाएगा, जिसका जिसका नाम रहेगा फोन नंबर एड्रेस अपने आप चेंज होता रहेगा, उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये किस किस फॉर्म में होता है, लेटर के फॉर्म में भी होता है, एनवेलप के फॉर्म में, मेलिंग लेबल एंड कैटलॉग के फॉर्म में होता है, ये चार चीजें होती है। डी आंसर इसका करेक्ट होगा, डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद से आप आउटलुक के थ्रू इसको मेल कर सकते हो, इसका जो मेलिंग होता है वो आउटलुक से कनेक्ट होता है, आप उसके थ्रू मेल कर सकते हो। ये मेल मर्जर, ये आपका देखो क्या है कि ये आपका वर्ड का सवाल है, वी कैन इंसर्ट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कितने कॉलम हो सकते हैं, कॉलम मतलब आपके टेबल में कॉलम, टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, 63 कॉलम हो सकते हैं मैक्सिमम, याद रखना 63। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस, इसमें से कौन सा मर्ज प्रोसेस नहीं है, जल्दी से बताओ, प्रीव्यू द मर्ज रिजल्ट, फॉर्मेट ए मेन डॉक्यूमेंट, एडिट ए डाटा सोर्स, आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट, देखो यहां पर जो बोला है प्रीव्यू द मर्ज रिजल्ट, मर्ज रिजल्ट जो आएगा आप जब मर्जिंग करोगे मेल मर्जिंग तो उसको प्रीव्यू देख सकते हो कि क्या क्या है, किसका लेटर कैसे कैसे है, कैसे एड्रेस चेंज हुआ, जैसे मैंने एक बताया एक फॉर्मेट आप बनाओगे लेटर का, आप इनविटेशन कार्ड का कि डियर यहां नेम लिख दोगे छोड़ दोगे, एड्रेस लिख के छोड़ दोगे, ठीक है, तो मोबाइल नंबर लिख के छोड़ दोगे, बाकी आप पूरा लिख दो जो भी इन्विटेशन है। तो यहां पर जब भी आपका जो एक्सेल सीट रहेगा कि एक पे नाम, एक पे एड्रेस, एक पे मोबाइल नंबर, और जितने लोगों का रहेगा 1 2 3 4 5 6 उन सभी का अपने आप बाय डिफॉल्ट पहले पे जो होगा नेम के आगे उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे इनविटेशन कार्ड को आप देख सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है फॉर्मेट द मेन डॉक्यूमेंट, नहीं मेन डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, डेटा सोर्स को एडिट कर सकते हैं, मेन डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आवाज गूंज रही है, अभी देखो, ठीक है। तो बी आंसर आपका ये नहीं हो सकता है। बोला है थीजर्स टूल, थीजर्स टूल जो होता है एमएस वर्ड में किस लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग सजेशन के लिए, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वर्ड के लिए, ट्रांसलेट किया, नन ऑफ दीज। तो ये जो थीजर्स होता है डिक्शनरी होता है, इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वर्ड होता है, क्या होता है आपके विलोम या परिवाची जो होता है वो चीजें इसमें होती हैं। बी होगा, ट्रांसलेट के लिए नहीं यूज होता है, एमएस वर्ड
फॉर व्हाट डज रूलर, रूलर मतलब जो ऊपर रूल आता, रूलर आता है, रूलर एक आपका यहां पे रूलर होता है, ये सपोज करो ये आपके ऊपर के टैब हो गए, ये रिबन हो गया और यहीं पे आपका रूलर आता है, ऐसे ये रूलर रहता है और एक रूलर आपका यहां पर रहता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर होते हैं। तो वही बोला है कि ये रूलर जो होता है वो किस लिए होता है, टू सेट अ टैब, टू सेट अ इंडेंट, टू चेंज पेज मार्जिन, ऑल ऑफ द अबव। देखो टैब को भी आप सेट कर सकते हो, टैब की स्पेस कहां हो तो ऐसे इसको मार्जिन से, इंडेंट भी सेट कर सकते हो, इंडेंट मतलब लेफ्ट या राइट बात होता है, पेज के मार्जिन को भी रूलर से सेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ऑल ऑफ द अबव कर सकते हो, डी आंसर इसका सही होगा। 40 नंबर प्रश्न, विच मेनू इन एमएस वर्ड कैन बी यूज चेंज करेक्टर साइज एंड टाइप फेस, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपके जो है देखो व्यू टूल्स फॉर्मेट डेटा, ये जितना भी है आपका, ये आपका 2007 का नहीं है, ये 2003 से जो पिछले वर्जन है उनका मेनू दिया हुआ है, क्योंकि अभी के मेनू में सिर्फ आपको व्यू मिलेगा, बाकी और नहीं मिलेगा, टूल्स भी नहीं मिलेगा, अभी के मेनू में जाओगे तो आपको टूल्स भी नहीं मिलेगा। हाँ, उसके बाद एक्सेल में जब जाओगे, एक्सेल में जाओगे तो आपको डेटा तो मिल जाता है लेकिन फॉर्मेट और टूल्स नहीं मिलेगा, एक्सेल में जाओगे तो डाटा तो मिल जाता है लेकिन फॉर्मेट और टूल्स नहीं मिलता है। कान फटे जा रहे हैं, आवाज कम कर लो आशुतोष। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विच मेनू इन एमएस वर्ड कैन बी यूज्ड, वर्ड की बात किया है तो वर्ड में ना डेटा अभी हमें देखने को मिलता है, ना टूल्स, ना फॉर्मेट, से व्यू देखने को मिलता है। तो 2003 में जो हमारा था वो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट मिलता था, जहां पर आपका क्या कर सकते, चेंज द करेक्टर साइज, साइज के और उसके फेस को हम चेंज करते थे किसमें, फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट में जाके, ठीक है, फॉर्मेट में जाके हम साइज जो अभी हम लोग होम में करते हैं ना, टेक्स्ट की साइज हो उसको, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल इन एमएस वर्ड 97 से लेकर 2003 तक, कौन सा एक्सटेंशन होता था 2003 तक, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन डीओसी होता है, क्या होता है, डीओसी, और डॉट डीओसीएक्स जो होता है वो किसका होता है, वो आपका 2007 के बाद से होता है, जो 2007 के बाद जितने वर्जन आए, और अगर आप कहें डीओसीएम क्या होता है तो मैक्रोस, मैक्रोस इनेबल होता है, क्या होता है, मैक्रोस अगर इनेबल है आपके फाइल में और सेव कर रहे हो तो ये हो जाएगा, तो अभी आंसर क्या हो जाएगा, डीओसी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, व्हाई हेडर एंड फुटर यूज इन एमएस वर्ड, क्यों हेडर फुटर एमएस वर्ड में यूज करते हैं, टू इनहेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अपीयर को इनहेंस करने के लिए, टू मार्क द स्टार्टिंग ऑफ द पेज, टू मेक ए लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, या टू अलाउ ए पेज हेडर एंड फुटर टू अपीयर ऑन ए डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड, किस लिए हेडर फुटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बताओ, यहां देखो, टू अलाउ ए पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। भाई हम हेडर फुटर इसलिए तो लगाते हैं कि जब भी हम प्रिंट कराएं तो हेडर फुटर है, जब मान लो किताब है, किताब में हेडर और फुटर लगा रहता है, फुटर में आपकी इंफॉर्मेशन दी रहती है, यहां पे पेज नंबर होता है, हेडर में आपका टॉपिक नाम दिया रहता है, फिर बीच में कंटेंट होता है, तो वो उस पर्पज से लिए लगाया जाता है कि ये प्रिंट हो, ऐसा हो कि ना प्रिंट ही ना हो, ठीक है, तो डी आंसर इसका सटीक होगा। इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट और डिलीट इज यूज टू डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन, या कॉपी द सेलेक्टेड आइटम, रीनेम द सेलेक्टेड आइटम, नहीं ना ये होगा ना ये होगा, क्रिएट अ शॉर्टकट टू द सेलेक्टेड आइटम, नहीं ये भी नहीं होगा, ये क्या होता है शिफ्ट और डिलीट की, जब दबाओगे आप तो परमानेंटली बिना रिसाइकल बिन में जाए कोई चीज डिलीट हो जाती है, ठीक है, आंसर ए आपका सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
बोला व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन। देखो आज वर्ड सबसे ज्यादा वर्ड के क्वेश्चन है, वर्ड के पूरी तरह आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में करा दिया, इसके बाद वाले में एक्सेल ज्यादा रहेगा, ठीक है। इन द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन द ड्रॉप और ड्रॉप कैप, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ लाइन होती है, जैसे ड्रॉप कैप जब हम लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना नंबर, कितनी लाइन लेता है लेटर, कोई भी लेटर बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन लेता है वो आपसे पूछ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइन लेता है। अब मैक्सिमम इसका कितना होता है, मैक्सिमम आपके 10 लाइन होती है। ड्रॉप कैप में जब जाके देखोगे वहां पे, और ड्रॉप कैप कहां होता है बताओगे कोई, जो ड्रॉप कैप है आपका वो कहां होता है जल्दी से बताओ, कोई ड्रॉप कैप कहां होता है? जब आप इंसर्ट में जाओगे और टेक्स्ट कमांड ग्रुप में जाओगे, जो हेडर फुटर के बगल में टेक्स्ट कमांड ग्रुप होता है, उसमें आपका वर्ड आर्ट के बगल में, जहां वर्ड आर्ट रहता है ना ऐसे, उसी के बगल में ऐसे ड्रॉप कैप लगा रहता है। जब उसको आप उस पर क्लिक करोगे, ड्रॉप कैप पे ड्रॉप डाउन करोगे, तो वहां नन ड्रॉपेड मार्जिन आता है, और जब ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपका आता है लाइन टू ड्रॉप डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट का डिस्टेंस कितना होगा, ये सब चीजें आती हैं। तो वहां देखोगे तो बाय डिफॉल्ट 3 होता है, मिनिमम जो होगा आपका मिनिमम 1 रहेगा और मैक्सिमम 10 हो जाता है लाइन, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पे आंसर बाय डिफॉल्ट 3 होगा इसका सही। अब 45 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। अब बुकमार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। Which of the following task is accomplished by using bookmark? Bookmark करने पर हम कौन सा काम कर सकते हैं बताओ? To mark the ending of a page of a document, to quickly jump to a specified location in the document, to add hyperlink in a web page, none of the this. अगर आप किसी चीज को bookmark किए हो कहीं जाकर, तो आप क्या करोगे, जो भी bookmark किए हो document में उसी पर direct jump हो जाओगे, ठीक है। बुकमार्क का मतलब आप उस चीज पर, उस टेक्स्ट पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे। टू क्विकली जंप टू ए स्पेसिफाइड स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, जिसको भी बुकमार्क किए हो, पेज को किए हो, किसी टेक्स्ट को किए हो, तो वहां आप पहुंच जाओगे। बी आंसर एकदम सही होगा। 46 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। मैक्सिमम नंबर कितना कर सकते हो, अभी हमने बात किया 10 हो सकता है मैक्सिमम, जो ड्रॉप कैप में लाइन जो होगी वो मैक्सिमम 10 हो सकता है। हाउ कैन यू इंसर्ट ए साउंड फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर साउंड फाइल इंसर्ट करना हो तो किस प्रोसेस से इंसर्ट करोगे, जल्दी से बताओ। वर्ड फाइल में अगर साउंड आपको इंसर्ट करना हो तो किस से करोगे, बताओ बताओ बताओ। क्या होगा, फॉर्म इंसर्ट साउंड मेनू ऑप्शन, फॉर्म इंसर्ट फाइल मेनू ऑप्शन, फॉर्म इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन, ठीक है, या नन ऑफ दीज, क्या होगा इसमें से आंसर। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन, ये टेक्स्ट वाले कमांड ग्रुप में होता है। फॉर्म इंसर्ट ऑब्जेक्ट मेनू ऑप्शन से आप कर सकते हो साउंड फाइल को। बोले मैक्रोस क्या होता है, स्मॉल प्रोग्राम क्रिएट इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट ए रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग वीवीए, विजुअल बेसिक जो है एरे होते हैं उससे। स्मॉल एडेड ऑन ए प्रोग्राम डेट आर इंस्टॉल आफ्टर वर्ड इफ यू नीडेड देम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट यू कैन यूज द कस्टमाइज एमएस, ये नहीं होता है। लार्ज टूल्स इन वर्ड सच एज मेल मर्जर, नहीं। क्या होता है, ये कोई भी आप रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो
उसको क्या करता है, एज ए रिकॉर्डिंग का काम करता है, उसको रिकॉर्ड कर लिए, जहां जहां यूज पड़ा वो शॉर्टकट की बनाया, उसको पेस्ट करते चले गए। तो ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो क्रिएट किया जाता है एमएस वर्ड में, जो क्या करता है, रिपीटेटिव टास्क को हैंडल करता है। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए करेक्ट हो जाएगा। 49 ए टेम्पलेट स्टोर, टेम्पलेट जो होता है स्टोर किया जाता है, क्या स्टोर करता है, हाँ, ग्राफिक्स टेक्स्ट स्टाइल मैक्रोस, कस्टमाइज वर्ड कमांड सेटिंग, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, आ जाओ ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स भी होता है, कस्टमाइज वर्ड भी होते हैं, आप वर्ड को कस्टमाइज कर सकते हो टेम्पलेट में, ऐसा नहीं जो बना है उसको बना ही रहेगा, उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज भी होती हैं उसमें, ठीक है। तो ये सभी होता है आपके टेम्पलेट में। 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम, वर्टिकल सेपरेशन जो होता है कॉलम के बीच में उसको क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं, गटर कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, या इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसे आपका मैं कहूं वर्टिकल सेपरेशन मतलब वर्टिकल ये हो गया कॉलम के बीच में, जहां मान लो पेज है आपका, इस पेज को अगर दो कॉलम में किया जाए तो यहां पे आपको स्पेस दिखता है ना, यहां से यहीं तक तो लिख पाते हो आप, हाँ यहीं से यहीं तक तो लिख पाते हो, ये स्पेस आपको इधर कॉलम में भी होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, गटर। गटर मार्जिन आपके सिर्फ उसके लिए होता है, प्रिंटिंग जो आपका छोड़ा जाता है उसके लिए। देखो जब कॉलम में जाते हैं जितना भी कॉलम करोगे तो ये जो स्पेस होता है ये भी मार्जिन ही कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, मार्जिन ही कहलाता है। सी आंसर होगा, सी आंसर होगा, मार्जिन कहलाएगा, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न हुए अभी तक, हम एमएस वर्ड के मैक्सिमम प्रश्न आपको करा दिए हैं, अब इससे ज्यादा हमें नहीं लगता है कि आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम एक और चीजें मैं बोल के जा रहा हूं, आप लोग 2010 के, जिसके पास 2000 मतलब 7 के बाद जो भी वर्ड होगा उसके सभी मेनू बार को देख लेना एक बार ओपन करके, कि हर मेनू बार में कितने कमांड ग्रुप हैं, क्या हैं, कितने कमांड ग्रुप हैं, कितने कमांड ग्रुप हैं, और उस कमांड ग्रुप में कितने कमांड हैं, ये जरूर आप लोग देख लेना, ये बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कुछ इमेज से ही फोटो खींच के दे दे, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में वर्ड आर्ट होता है ना, ऐसे ये बना रहता है ऐसे, उसी का फोटो खींच के दे दिया था कि ये क्या होता है। मान लो आपसे एक फोटो खींच के ऐसे पूछ दे कि ये किस चीज का सिंबल है, सपोज करो ऐसे खींच के दे दे, ये पूछे ये किस चीज का सिंबल है, तो आप क्या कहोगे, ये इक्वेशन का है, चाहे ऐसे करके दे दे तो ये किस चीज के लिए यूज होता है वर्ड में, तो ये सिंबल के लिए यूज होता है। तो ये एटलीस्ट विजुअलाइज जब चीजें रहेंगी तो आप आसानी से प्रश्न कर सकते हो, तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है आपको वर्ड करने में, ठीक है। तो इन सभी को, इस जो बात को मैंने जो बोला कि मेनू ऑप्शन खोल लेना, उसके हर कमांड ग्रुप को अच्छे से देख लेना किसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बाकी मंडे कल भी क्लास लेंगे तो कल हो सकता है हम लोग एक्सेल को पढ़ाएंगे, एक्सेल के जितने क्वेश्चन होगा वो ज्यादा से ज्यादा मैं कराऊंगा, अभी तक मिक्स ही करा रहा था, लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा सभी के करा रहा हूं जो बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर है और कुछ बचे हुए क्वेश्चन है इसमें, चलिए। लेकिन हाँ थोड़ी आप लोग शेयर करो, संख्या बल को बढ़ाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, अगर यही स्पीड रहेगी कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, एग्जाम भाई आपके सर पे है, और उसके बाद भी चलो जिसका यूपीपीसीएल का एक महीने बाद भी है, लेकिन है तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या एक महीना कोई टाइम नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। और जो जेसीए वाले पहले हार मान के बैठ गए हो कि नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में इतना जल्दी हो गया, तो वही बात है, कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है उसको, कि पहले ही अगर आप हार मान गए हो तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, वही वाली बात है, अगर मन से ही हार मान गए हो तो भैया पहले ही हार मान जाओगे। चलिए तो एक बार ये काम जरूर कर लेना, आपके पास लैपटॉप है तो ये चीज जरूर करना, क्योंकि विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, नए ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर हम लोग मिलेंगे रात्रि 7 PM पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। तो एक बार सभी लोग सेशन को जरूर शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि हाँ यहाँ पर इतने अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और जो मैं ऑलरेडी इतना हर एक पार्ट से क्वेश्चन लेकर आता हूं कि कोई पार्ट आपका छूटे ना।
जी टाइपिंग ऑनलाइन होगी, स्क्रीन देखकर होगी। नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास लाइव हो चुकी है। सिमरन जी, वी आर लाइव नाउ। जुगल प्रताप जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आयुष जी, कृष्ण कुमार पांडे जी, गुड इवनिंग। पारुल जी, नाउ लाइव। चलिए, शिवांगी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभिनव चौहान जी, गुड इवनिंग। सिमरन जी, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। चलिए, आज जो है आपका एमएस ऑफिस जो है वो समाप्त हो जाएगा, फिर कल से हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल जो है कि जनरल सा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन को करेंगे। धीरेन्द्र जी, गुड इवनिंग। पारुल जी, चलिए एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, फिर क्वेश्चन और आंसर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सौरभ, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ लगा दी गई है, नीचे जाके देखना, जो आपका बैच है ना उसमें लगा दिया गया है, आप लोग जाके एक बार देख लो। शेयर कर दिया सभी ने। चलिए, जो लोग शेयर कर दिए उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोगों की संख्या बल बहुत कम है, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, एग्जाम देना है। योगेंद्र जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए, लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड? सिर्फ ऑफिस से कितना करोगे, मैक्सिमम हो गया भाई 150-200 क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट? जो मार्जिन आप खोलोगे ना पेज का, तो यहां आपसे 2003 का पूछा है, तो मैंने आपसे बताया 2007 के बाद आपको सभी वर्जन में कॉमन मिलेगा, लेकिन 97 से लेकर 2003 तक जो है इसमें आपके सेम फीचर थे, और 2007 से लेकर 2019 तक की बात करें तो मैक्सिमम फीचर इसमें सेम है। पहला आंसर होगा 1। चलो 1 दे रहे हैं, नहीं 2.5 बता रहे हैं योगेंद्र। चलो हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो। जो आपका लेफ्ट मार्जिन होता है डिफॉल्ट, अगर जो होता है डिफॉल्ट आपका मार्जिन, अगर जो खोलोगे वर्ड में, तो डिफॉल्ट मार्जिन का अभी 2000 अगर हम 10 की बात करें तो सब 1111 होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, लेकिन जब 2003 की बात करते हैं तो उस समय 1.25 होता था। कितना होता था? 1.25 होता था, 2.5 नहीं, 1.25 याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। What is the maximum font size you can apply for any character? किसी character के लिए हम maximum कितना font size use कर सकते हैं? इसका answer जल्दी से आप लोग comment के माध्यम से बताओ कि क्या सही जवाब होगा। सोलह सौ 38 आ रहा है, 72 कुछ लोगों का आ रहा है, 72। देखो ऑप्शन में ये कहीं नहीं दिया है, ये बोला मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर, किसी करेक्टर के लिए आप कितना फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो, आपको कहीं ये नहीं दिया है कि जो फॉन्ट स्टाइल का ड्रॉप डाउन होता है उसकी बात नहीं कुछ किया है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है आयुष जी, साफ साफ लिखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर, किसी करेक्टर के लिए मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन 72 के बिहाफ पे पूछा तो वो फॉर्मेटिंग टूल बार जरूर पूछता। ठीक है, 163 नहीं होता है, 1638 होता है, ऑप्शन बी होगा, आप उस पर मारना, सर्च करना, 1638 होगा। चलो, हिंदी इंग्लिश से क्या लेना देना है, क्वेश्चन तो बहुत आसानी है ना, क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश से सेम ही है।
टू गेट अ सिंबल डायलॉग बॉक्स विच वन ऑफ द मेनू कैन चूज सिंबल। अगर आपको सिंबल लेना है तो आप इनमें से कौन सा मेनू जो है चूज करोगे, अभी बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको सिंबल लेना है तो कौन सा मेनू आप चूज करोगे, फॉर्मेट। अरे फॉर्मेट में कहां होता है योगेंद्र, कामनी जी इंसर्ट बता रही हैं, सोनी जी सी बता रही हैं, सौरभ जी इंसर्ट बता रहे हैं, बिंदिया जी इंसर्ट, एकदम सही, जो इंसर्ट के साथ जा रहा है। इंसर्ट में जब जाओगे तो सबसे लास्ट कमांड ग्रुप जो आपको मिलेगा वो सिंबल का मिलेगा, उसी में आपका सिंबल का साइन ये रहता है, ठीक है, उसी में आपका रहेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट में क्या होता है, जैसे क्या होता है कोई चीज लिखते हो तो वो गलत होता है तो उसको ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, शॉर्ट एंड रिपीटेटिव होता है, या मिस स्पेल्ड होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। जो ऑटो करेक्ट है वो किस पे काम करता है, जब आपकी मिस स्पेल्ड, हाँ सही बात है, ग्रामेटिकली एरर नहीं, आपकी स्पेलिंग जब मिस्टेक होती है ना, एक बार सभी लोग शेयर कर दो हर हर महादेव का नाम लेकर, जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो आपका अलग दिखने लगता है, आपके मोबाइल के कीबोर्ड में भी जब आप टाइपिंग करते हो तो वही फीचर काम करता है, तो जब मिस स्पेल होता है तो वो अपने आप वहां पे आ जाता है, स्पेलिंग आप सही कर सकते हो, किसी की स्पेलिंग लिख रहे हो कुछ चीज भूल गया आपको कोई लेटर, तो अपने आप वहां पर रेड बन जाएगा और आप वहां से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि इसका सही स्पेलिंग क्या होगा राइट क्लिक करके। आ जाओ, इनवर्ड द मेलिंग लिस्ट, मर्ज मेलिंग की जो लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, डाटा सोर्स कहा जाता है, सीट कहा जाता है, डाटा सीट कहा जाता है, या सोर्स कहा जाता है। जब मैंने कहा था आपको मेल मर्जिंग जब करते हो तो मेल मर्जिंग के समय आपको एक डेटाबेस टाइप का तैयार करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें आप नाम, एड्रेस, फोन नंबर ये सब लिखते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो आपके मर्जर इनवेलप होता है, जो भी होता है उसको आपको भेजना होता है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, हाँ ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, जिसका आंसर डाटा सोर्स आ रहा है, बेहतरीन है। डेटा सीट तो आपका एक्सेल में होता है, सीट जो होती है, ये जो होता है वो डेटा सोर्स होता है, ए आंसर सही होगा, ए आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट, ठीक है, डिफॉल्ट। अच्छा, जहां पे कोई वर्जन ना दिया हो आपको तो आप आंसर किसको मारोगे, अगर ऑप्शन में दोनों चीज दिया हो, अभी मैंने जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ऐसे प्रश्न में किस ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करोगे, सपोज करो जैसे यहां पे बोला व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। नॉर्मल टेम्पलेट में अगर आपका फॉन्ट साइज क्या होता है, तो सबके आंसर 11 पॉइंट आ रहा है, कुछ लोग लग रहा है नहीं लैपटॉप देखते हो, चाहे वर्ड कभी खोल के नहीं देखते हो कि आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, और मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, क्लास में मैंने आपको दिखाया है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉन्ट होता है वो कैलिबरी, ठीक है, यही होता है, और बॉडी यहां पे लिखा रहता है, और इसका जो साइज होता है वो 11 होता है, ये जो आपके 2007 है ना उसके बाद से जितने वर्जन है उसमें होता था, लेकिन 97 से लेकर अगर हम 2003 की बात करें तो यहां पे टाइम्स न्यू रोमन होता था, क्या होता था, टाइम्स न्यू रोमन होता था, और इसका बाय डिफॉल्ट जो साइज होता था वो 12 पॉइंट होता था, समझ गए मेरी बात को। तो यहां अगर वर्जन आपको नहीं दिया है और ऑप्शन भी देखो 12 तो दिया नहीं है, अगर दिया भी रहता तो आपको मैक्सिमम 2010 को मार के करना है, ठीक है, मतलब रिसेंट को मानना है। ठीक है, रिसेंट को मानना मतलब 2007 के बारे में मानना है, तो यहां हम 11 देंगे, 11 पॉइंट बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज होता है, समझ में आ गया सभी को। चलो अगला पॉइंट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट, क्या होगा इसमें से, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एल्गेरियन, या नन ऑफ द एबव, क्या सही जवाब होगा, जल्दी से बताओ।
एक बार सभी लोग महादेव का नाम लीजिए और सेशन को शेयर करिए भाई। कैसे कम एग्जाम लगा हुआ है यहीं पे, यूपी पीसीएल का भी है और जेसीए वालों की भी कंप्यूटर आनी है, लेकिन कोई सीरियस नहीं है। ऐसे पढ़ाई करोगे? चलो डीडीएफडी एरियल होगा। अभी अभी मैं बता के गया हूं और उसके बाद भी गलती कर रहे हो। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2016 पूछे, 10 पूछे, 19 पूछे बच्चों, तो मैंने कहा 2007 से लेकर अभी तक जो वर्जन है और 97 से लेकर 2003 जो वर्जन है, ये एक कैटेगरी के हैं और इधर वाले एक कैटेगरी के हैं। तो कैसे आप लोग आंसर दे रहे हो कि एरियल होगा? एरियल नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि आंसर जो होगा वो आपका वो कैलिबरी ही होगा, ये वाला, ठीक है, यही फॉन्ट आपका होगा बाय डिफॉल्ट। इसमें समझ में आ रहा है? चलो तो ये गलती मत करो भाई, छोटी सी गलती है। विच इंडेंट मार्कर कंट्रोल ऑल द लाइंस एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी में इंडेंट लगाने को क्या कहा जाता है? ऐसे इंडेंट लगता है आपका, तो उसको क्या कहा जाएगा? लेफ्ट इंडेंट मार्कर, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर, राइट इंडेंट मार्कर या हैंगिंग इंडेंट मार्कर? हाँ, कैलिबरी इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, बहुत बढ़िया। इसको क्या कहा था? जब भी आपका फ्रंट लाइन सेम हो, बाकी लाइन में आपके इंडेंट लगे हो, तो ऐसे को हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है, हैंगिंग इंडेंट मार्कर कहा जाता है। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सी ए ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप मैंने बताया था, उसकी लाइन भी बता दिया, मैक्सिमम कितना होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ड्रॉप कैप को चूज करोगे, उस पर क्लिक करोगे, जब ड्रॉप डाउन बन के आता है, तो वहां पे आपका एक नॉर्मल करके होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक जो होता है आपका ड्रॉप्ड होता है, एक क्या होता है ड्रॉप्ड होता है, और तीसरा जो पोजीशन होता है वो मार्जिन होता है। क्या होता है? मार्जिन, ठीक है, मार्जिन होता है। ड्रॉप्ड मतलब थोड़ा बीच में हो जाएगा, मार्जिन मतलब थोड़ा मार्जिन के पास आपका ड्रॉप कैप लगेगा। तो एक्चुअल में आपके कितने पोजीशन होते हैं? पोजीशन आपके पूछा है, नन कोई पोजीशन नहीं होता है। नहीं, गलत जा रहे हो, ये जो नन होता है, ये नन मतलब होता है कि कोई पोजीशन नहीं, तब ड्रॉप कैप लगेगा ही नहीं। नन का मतलब लगेगा नहीं, लेकिन इन दोनों में ड्रॉप कैप लगता है, तो इसलिए इसको पोजीशन कहा जाएगा। दो ही पोजीशन होते हैं, कितने होते हैं? दो ही पोजीशन होंगे। हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, देखो ड्रॉप कैप को ड्रॉप के बोलेंगे, यहां बोला हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन, कितने पोजीशन होंगे, मतलब स्थान होंगे किसके? ड्रॉप कैप लगाने के। आप वर्ड खोलना, वर्ड में आप जब क्या करोगे, वर्ड में किसमें होता है ड्रॉप कैप, ये बताओ। जब इंसर्ट में जब जाओगे, तो इंसर्ट में ऐसा सिंबल आपको दिखता है ड्रॉप कैप का, और यहां पे जब आप सिंबल को क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे खुल के आता है। लेकिन पहला ये होता है कि नन का मतलब होता है ड्रॉप कैप मत लगाओ, ठीक, वो कोई पोजीशन नहीं होगा आपका। क्या होगा? वो कोई पोजीशन नहीं कहलाता है। उसके बाद से एक आपका बना रहता ऐसे, और ये होता है, इसको कहा जाता है आपका क्या? ड्रॉप्ड। और एक आपका ऐसे बना रहता है, और ऐसे 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 होता है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। एक मतलब आपका पूरा ऐसे होता है, और एक आपका ऐसे ऐसे होता है, इसको कहा जाता है ड्रॉप्ड, इसको कहा जाता है मार्जिन, इन मार्जिन, ठीक है। क्या बोला जाता है? इन मार्जिन बोला जाता है। तो पोजीशन बेसिकली आपके लगाने के, एक ये हुआ और एक ये हुआ, दो ही पोजीशन हुए, आंसर टू होगा। आप इसीलिए मैं बोलता हूं आपको मेनू सभी ओपन करके जरूर देखना है, समझ गया ना? तो देख लो, समझ जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज पेपर स्टाइल कॉलम, इसमें से बताओ। न्यूज पेपर स्टाइल कॉलम हम किससे यूज करते, कैसे क्रिएट कर सकते हैं?
फॉर्मेट कॉलम, टेबल इंसर्ट टेबल, या फॉर्मेट टैब, या इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। देखो न्यूज कंप्यूटर नहीं है, अरे कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये आपको सबसे अच्छा अगर कोई टीचर पढ़ा सकता है वो मैं नहीं हूं, वो आपका कंप्यूटर है। सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं। पोस्ट की पावर, कौन से पोस्ट की पावर? यहां बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम। न्यूज़पेपर हमेशा इस तरह लिखा जाता है कॉलम में, तो उसमें क्या फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कॉलम में ही लिखा जाता है, इसलिए आंसर ए होगा आपका। उषा जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कहां लेट लेट सो सो जग के आ रहे हो क्या तुम लोग क्लास में आज? अगला है प्रश्न कि कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फॉर्म, कैसे ओपन करोगे? जो कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने का बोला प्रेस आल्ट ओ सी, फॉर्मेट मेनू, कॉलम सब मेनू, डबल क्लिक ऑन ए कॉलम स्पेस इन रूलर, ऑल ऑफ द एवर। मैंने एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो तो बनाई है, वहां पे आप जाके देख लीजिए। डी आंसर होगा, एकदम सही है, ऑल ऑफ द एबव होगा आपका। आल्ट ओ सी जब दबाओगे आप तो आप देखो आल्ट ओ सी दबाने पे क्या होगा, ठीक है, आल्ट ओ सी दबाओगे तो कॉलम की पूरी फॉर्मेटिंग आपके सामने आ जाती, 1 2 3 4 जो भी होता है आपके कॉलम जो होंगे किस तरह से करना वो भी होगा। फॉर्मेट मेनू में आया, ये फॉर्मेट मेनू ले लिया, इसका मतलब 2003 की बात कर रहा है क्योंकि फॉर्मेट मेनू अभी 2007 के बाद नहीं देखने को मिलता है। फिर डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस इन रूलर, जहां कॉलम स्पेस है रूलर में वहां पे जाके आप कर सकते हो, ऑल ऑफ द अबव, ये पूरा डी सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का कौन सा पार्ट नहीं है? डेटाबेस, फाइल मैनेजर, इमेज एडिटर, वर्ड प्रोसेसर, बताओ। एमएस ऑफिस सूट में पढ़ते तो आप लोग मैक्सिमम तीन ही हो, लेकिन और भी चीजें होती हैं, जैसे एमएस एसएस है, का कहत हो लालू की तरह बोली, अच्छा ये डाटाबेस जो है आपका एमएस एसएस हो गया, ये भी आपका किसमें होता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फाइल मैनेजर जो पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। इमेज एडिटर भी एमएस एडिटर आता है, माइक्रोसॉफ्ट का इमेज एडिटर आता है, वर्ड प्रोसेसर भी ऑफिस का ही पार्ट होता है, तो बी आंसर क्या होगा, ये ऑफिस का पार्ट नहीं है, ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है। समझ गए? एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर आता है कि नहीं? देखो एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ये हो गया ना, वही चीज है ये, तो इमेज एडिटर तो हो ही गया, उसमें एडिट तो कर ही सकते हो इमेज को। अब यहां बोल रहे वेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन, ड्रॉ टेबल टूल बटन हम कहां पाएंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार में, ड्रॉइंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, या टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में? क्या इसका सही जवाब दोगे आप लोग? हाँ अभी देखो जो आंसर क्या दे रहे हैं, इसका डी लोग दे रहे हैं। चलो इसका आंसर 13 का डी एकदम सही है, क्यों? कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार है
ये आपको 2003 में मैंने कहा मिलता है, लेकिन जब 2007 में आओगे तो वहां पर आपको इंसर्ट में जो ये टेबल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार है 2003 में, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट के टेबल में जाओगे और टेबल में जाओगे वहां पे आपको आपको कॉलम में मिलेगा ड्रॉ टेबल वाला पार्ट, ठीक है, वहां पे ड्रॉ वाला मिलेगा। देखो कुछ नहीं, आपको 2003 है, 2003 को देखना है तो देख लो एक बार खोल के उसकी विंडो अगर कहीं मिले तो, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जो अगर 2007 के बाद कोई भी आपके पास हो, चाहे 2010 हो चाहे 2013 हो, सब में सेम चीज है, क्योंकि उसका बेस कौन है, 2007 है, ठीक। ये आ जाओ अगला है सिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एसेट्रा आर नॉन एज, ये सब क्या है, सिमर स्पार्कल ब्लिंकिंग, ये वर्ड आर्ट है, फॉन्ट स्टाइल है या टेक्स्ट इफेक्ट है या फॉन्ट इफेक्ट है, इसको आप क्या कहोगे, ये चीज क्या है, जल्दी से बताओ ये, इसे आप क्या कहोगे, वर्ड आर्ट नहीं है ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट हैं, ब्लिंकिंग करके जो टेक्स्ट कलर चूज करते हो ना इफेक्ट का, ये टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, वर्ड आर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैसा है, टेक्स्ट का इफेक्ट होता है कि आपको स्पार्कलिंग हो, रिफ्लेक्शन वाला हो, तो ये सब टेक्स्ट इफेक्ट है, आप देखना वहां टेक्स्ट इफेक्ट में जाके। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉपीराइट सिंबल को लेने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे, कॉपीराइट सिंबल कौन सा होता है, ये सिंबल जो होता है ना कॉपीराइट का सिंबल होता है, तो वो आपका किससे आएगा, आर्ट कंट्रोल सी से करोगे तो कॉपीराइट सिंबल आएगा। चलो अगला प्रश्न बोला, हाउ कैन यू एसेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार का फॉन्ट साइज जो होता है टूल, फॉन्ट साइज टूल का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, वो डायलॉग बॉक्स आप किस शॉर्टकट की से खोल सकते हो, ये शायद हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। शुभम जी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। चलो करा देंगे क्वेश्चन, उसके भी करा देंगे, तो यहां हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ जैसे ही दबाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स फॉन्ट का खुलाएगा, वहां आपके फॉन्ट साइज सब कुछ, उसके पास एक एडवांस यहां आता है, ठीक है, उससे भी प्रश्न कई बार दिखाता है, तो वो सब डायलॉग बॉक्स खोल के देख लेना एक बार किसमें क्या क्या होता है, तो ये आपका आंसर होगा डी इसका। बोला हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सब बोले कंट्रोल शिफ्ट बी ऑप्शन, एकदम सही, इसको तो कराया भी हूं, तो बी आंसर एकदम सही होगा, सब लोग सही हो। बोला हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय वन पॉइंट, एक पॉइंट अगर सेलेक्टेड टेक्स्ट का इंक्रीज करना हो तो आप कैसे किस शॉर्टकट की से इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा तुम लोगों में मैंने शॉर्टकट की का पीडीएफ, एब्रिवेशन का पीडीएफ वो रखवा दिया, उसको जरूर एक बार देख लेना,
एक पॉइंट इंक्रीज करना हो कोई भी फॉन्ट साइज तो आप इससे करोगे, ठीक है, और डिक्रीज करना हो तो उससे उल्टे वाले से करोगे, ठीक है। अगर एक पॉइंट डिक्रीज करना हो तो इससे होगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर ए आंसर करेक्ट होगा। 19 नंबर बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम। कॉलम का कोई भी आपका जैसे मान लो ये कॉलम है, इस कॉलम की स्मॉलेस्ट विड्थ क्या होगी सबसे, ठीक है, 0, 0.5, 1 या 1.5। जल्दी से बताइए। हाँ, 0.5 वाले एकदम करेक्ट हैं, 0.5 होता है। बोला हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। कॉलम के बीच में कितना स्पेस आपका प्रोवाइड किया जाता है, 0, 0.5 या 1 या 1.5। 1 नहीं होगा, इसका जो होगा वो 0 होता है, जो कॉलम का स्पेस होता है कि एक कॉलम आपका ये है फिर दूसरा कॉलम, उसके बीच में कहां स्पेस होता है, एक कॉलम आपकी ये हो गई ना, दूसरा कॉलम ये हो गया, तो इसके बीच में स्पेस कहां देखने को मिलता है। जैसे मान लो आप दो, ये कॉलम है, ऐसे रो चलता है, तो ये कॉलम आपका एक है, एक कॉलम ये है, तो कॉलम ये वाला पार्ट हो गया, इसके और इसके बीच में स्पेस कहां देखने को मिलता है, तो वो 0 होगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट ऑन एमएस वर्ड। अब बताओ ये क्या है, ये कभी खोल के देखे ही नहीं होगे। नॉर्मल, राइज्ड, लोअर और सेंटर, ठीक है। ये कैसे, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के फॉन्ट के लिए कौन सा पोजिशन आपका नहीं रहता है, जल्दी से बताओ। ये कैसे देखोगे, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाओ। जब कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हो तो पूरा उसमें देख लो, कंट्रोल शिफ्ट पी जब दबाओगे तो डायलॉग बॉक्स खुलता है, यहां लिखता है फॉन्ट और यहां लिखता है एडवांस, ठीक है। तो फॉन्ट वाले में आपका पूरा फॉन्ट से रिलेटेड चीजें रहेगा, ठीक है, उसमें आपका कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट रहेगा, इफेक्ट के पार्ट रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही एडवांस वाले पर क्लिक करोगे तो एडवांस वाले में आपके क्या रहेगा, एडवांस में करेक्टर स्पेसिंग आता है, ठीक है, करेक्टर स्पेसिंग यहां पे लिखा रहता है, करेक्टर स्पेसिंग। इसी में एक होता है ड्रॉप डाउन पोजीशन के नाम से, इस पोजीशन पे जब आप क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन करोगे ऐसे, तो उसमें आपके तीन चीजें दिखेंगी। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल, राइज्ड और लोअर्ड ये होंगी, लेकिन सेंटर्ड नहीं होता है, देख लेना करके, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा कि सेंटर्ड नहीं होगा, डी आंसर करेक्ट होगा आपका। ये करके देखना, एडवांस में जाना, पोजीशन होता है वहां ड्रॉप डाउन को करना, सिर्फ तीन चीजें मिलेगा आपको। बोला व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स। अब ये स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होता है, देखो स्केल ड्रॉप डाउन क्या होता है कि आपको मेनू, आपको अगर कुछ जो है रिबन आपको एक्स्ट्रा लगाना हो जो मेनू होते हैं उसमें, तो आप फाइल में जाना, ठीक है, जब फाइल वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली डन, चलो बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकल भी डन करते रहो। फाइल वाला जब आप होता है, फाइल में जाना, फाइल पर जब क्लिक करोगे तो आपका एक ऐसा खुल के आएगा, ये वाला पोर्शन यहां सेव है, सब कुछ लिखा होता है, तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करना, हेल्प में ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक जब करोगे तो आपका क्या आता है, उसी में आता है एडवांस या कस्टमाइज रिबन। क्या आता है, कस्टमाइज रिबन,
कस्टमाइज रिबन करके आता है, रिबन को कस्टमाइज कर सकते हो। रिबन के कस्टमाइज में आपका क्या होता है, मेन टैब करके यहां पर खुलेगा जब आपका, तो दो पार्ट में रहेगा ऐसे, ठीक है। यहां पे आपका कस्टमाइज कर सकते हो जो भी टैब में जोड़ना चाहते हो। तो यहां एक टैब होता है डिजाइन के नाम से, किस नाम से, डिजाइन के नाम से, ठीक है। उसी में आपका एक होता है डेवलपर के नाम से, क्या होता है डेवलपर। जब डेवलपर में जाओगे तो ये जो बोल रहा है कि ड्रॉप डाउन बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है ऐसे। ड्रॉप डाउन जैसे आप लोग कुछ सेलेक्ट करते हो ना, तो वर्ड में आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। तो वही बोल रहा है कि इस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ वो हो सकते हैं, तो 200 हो सकते हैं ड्रॉप डाउन में, कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। 200 लिस्ट आप उसको तैयार कर सकते हो। हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डेटा, मैंने कहा जब आप उसमें खोलना है उसमें रहेगा, ठीक है। जब आप डेवलपर वाला ओपन करना, डेवलपर पे पहले क्लिक करके ओके कर देना, तो आपका मेनू में डेवलपर दिखने लगेगा, और डेवलपर पे जब क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक छोटा सा कंट्रोल में, ठीक है, देखो उसके बाद से कंट्रोल एड ऑन जो आपका है, हाँ कौन सा कंट्रोल में कहां दिखेगा सिमरन जी, देखो कंट्रोल कमांड ग्रुप होगा। कंट्रोल कमांड ग्रुप में आपको तीन चीजें बनी रहेंगी ऐसे, ए ए ए, यहां इमेज की साइज रहेगी, और यहां वाली जो साइज रहेगी ना, ये यही आपका ऐसे ऐसे रहेगा, और यहां ड्रॉप डाउन का बना रहेगा। इस पर जब क्लिक करोगे तो ऐसे आपका ड्रॉप डाउन आ जाता है पेज पर, फिर उस पर जब क्लिक करोगे तो लिस्ट आपका बनेगा उस पर। मॉक लगवा देंगे, ठीक है, मॉक लगवा देंगे भाई, टेंशन काहे लगवा रहे हो। अब बोला कैसे करोगे, तो डेटा को सॉर्ट करेंगे। अगर किसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना हो, उसको आप क्या करोगे, डेटा को सॉर्ट करोगे, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोला टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में अगर पूरे कॉलम को, एक्सएफडी होता ना पूरा लास्ट वाला, ठीक है, ए से लेकर एक्सएफडी तक अगर आपको सेलेक्ट करना हो कॉलम को, तो आप क्या यहां से दबाओगे, शॉर्टकट की क्या होगा, मॉक किसका, कंप्यूटर का कराएं या पूरा, जी मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद विजुलाइज करो। उस चीजों को तो यहां क्या आंसर दोगे, पूरा अगर सेलेक्ट करना हो एक साथ इंटायर कॉलम को एमएस एक्सेल के, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल एरो की से तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसका जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, लेकिन स्पेस बार है नहीं यहां पे, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा बच्चों। हाँ बहुत बढ़िया, कंट्रोल और स्पेस बार जब आप दबाओगे तो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लोगे। अगला आ जाओ, बोले टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवीजर इन एक्सेल वी यूज फंक्शन, ऐसा कौन सा इसमें फंक्शन है जो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। चलो तो बहुत बढ़िया, सब लोग जा रहे हैं कि मॉड जो आपका फंक्शन होता है, अगर हम 4/3 करें तो यहां से जो रिमाइंडर आएगा ना एक, वो हमें ये रिटर्न करता है ये वैल्यू, मॉड जो फंक्शन है। तो आंसर सी होगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट, कॉन्केटिनेशन का मतलब जैसे सपोज करो क्या लिखा है यहां पर, टेक्स्ट लिखा है और कैन लिखा है, तो कॉन्केटिनेशन एक फंक्शन होता है, जब हम उसको लगा देंगे इक्वल टू कॉन्केटिनेट लगा देंगे, जब ये लगाएंगे हम लोग तो क्या करेगा, ये टेक्स्ट और कैन को क्या करेगा, एक साथ जोड़ देगा, स्पेस खत्म कर देगा।
तो बोला इससे भी वही चीज होता है, लेकिन अब तो फंक्शन है नहीं, वही बोला कॉन्केटिनेशन ऑफ ए टेक्स्ट कैन बी डन बाय यूजिंग एपोस्ट्रॉफी एक्सप्लेनेशन मार्क हैश या एम परसेंट। तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, टेक्स्ट एम परसेंट मार्क्स लगा दो और कैन लिख दो, तो जब इसको इक्वल टू लगाने के बाद जब करोगे ये चीज, तो ये आपका जो आउटपुट आएगा वो टेक्स्ट कैन आएगा, ऐसे आएगा, जुड़ा हुआ आएगा। तो एम परसेंट भी कॉन्केटिनेशन का काम करता है। हाँ, डी आंसर होगा एम परसेंट। कमेंट कैन बी एडेड टू ए सेल यूजिंग, हम किसी भी सेल में, मैंने आपको बताया था कोई एक सेल है पर्टिकुलर, इस पर कमेंट कर सकते हो, कमेंट ऐड कर सकते हो कि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी, अगर जाओ कोई भी अगर डेटा रखे हो यहां पर, तो उस सेल का डेटा किससे रिलेटेड है, आप कमेंट के तरफ से उस पर रख सकते हो। जब कमेंट कर दोगे तो यहां रेड कलर में यह चीज दिखने लगता है, और जब इस पर कर्सर ले जाओगे तो वह खुल के कमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि आप कमेंट कैसे ऐड करोगे। तो कमेंट कहां होता है, कमेंट आपका रिव्यू टैब में जब जाओगे वहां पर एक कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां से आप ऐड कर सकते हो। डी आंसर करेक्ट होगा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला प्रश्न है, विच मेनू ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट विंडो इन टू। ठीक है, स्प्लिट विंडो का एक ऑप्शन होता है आप सभी में, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, वो आपका कहां पर होता है। जल्दी से बताओ वो आपका कहां पे होता है। बोला है विच मेनू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इन टू। डी, व्यू स्प्लिट में नहीं होता है। कहां पे, पहले पूरा देखो, पहले व्यू में जाओगे, फिर विंडो में जाओगे, फिर स्प्लिट का ऑप्शन होगा। जाओ ऐसे करो, पहले किस में जाओ, व्यू में जाओ, विंडो में जाओ। विंडो क्या हो गया, तब कमांड ग्रुप हो गया, वहीं पे न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट आता है एक ऑप्शन। तो जब उस पर क्लिक करोगे तो एक आपका बार बन के आने लगता है, कहां से स्प्लिट करना है आपको, वहां से आप स्प्लिट कर दोगे तो पूरा पूरा पेज ही आपका, एक एक तरह से बोला जाए ना, इस पेज पर लेके आओगे स्प्लिट करने के बाद, तो इधर का पेज का पूरा एक डॉक्यूमेंट ही अलग हो जाएगी, विंडो ही अलग हो जाएगी, और ये विंडो अलग हो जाएगी, एक ही पेज पे डबल विंडो की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ, बी आंसर करेक्ट होगा बच्चों। अगला, अ टिपिकल वर्कशीट हैज नंबर ऑफ कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, 128, 256, 1024, 16384। अब देखो यहां किसी वर्जन की बात नहीं किया है ना आपसे, तो आप जानते हो कि 256 कॉलम भी होता है, किसमें होता है, 2003 में होता है। हाँ, वही मैं आप लोगों से बोल रहा था कि जब वर्जन ना बोले तो आप किसको ज्यादा वरीयता दोगे, तो जब आपका वर्जन ना बोले तो आप किसको दोगे। बी वाले गलत जा रहे हो, अ टिपिकल वर्कशीट है जो नंबर ऑफ कॉलम 16384 होगा। जब भी आपके पास कोई वर्जन पर्टिकुलर ना बोले तो आप रिसेंट में जो फ्यूचर रहा है उसको प्रेफरेंस दोगे। मेरी बात को ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी वर्जन नहीं क्वेश्चन में दिया है तो आप प्रेजेंट वर्जन को लेकर आंसर देना है, जब आपके ऑप्शन में दोनों जरूर हो यहां पर, तो लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग काम करना। डी आंसर 16384 कॉलम होंगे। अगला प्रश्न, हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी टाइप इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। ये भी शायद हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था लेकिन किसी में डिस्कस कर लिया था। एग्जामिनर बी ले लिया तो बस ठोक देना क्या, कि भैया
कैसे बी ले लिए, कौने हिसाब से ले लिए, हमें हम कोर्ट तक चले जाना। भाई जब आपने वर्जन नहीं दिया तो आपके अकॉर्डिंग कैसे आपने ले लिया, या तो दोनों सही करो, सिंपल सा लॉजिक, या तो दोनों सही करो या रिसेंट, बाकी तो जानते हो एग्जामिनर अपने अपने ऊपर। अभी देखो कन्या विद्याधन योजना वाला जो है ये जिसको लेखपाल में आया था वो प्रश्न बहुत पुराना है, अब कारी में आया हुआ है, वीडियो में आया हुआ है, वहां आंसर कुछ और था, यहां कुछ और मान रहा है। हाउ मेनी करेक्टर, कितने करेक्टर आप सेल में दे सकते हो, तो 32,767 हो सकता है ना, 32,767 एकदम सही सी होगा। अ वर्कशीट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ ए नंबर ऑफ रो, अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर यहां पे वर्जन नहीं लिखा है तो 10,48,576 यही आंसर होगा, डी आंसर होगा, बहुत बढ़िया। 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर पॉइंट व्यू, इसमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, पेज व्यू, प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, यह भी होता है, यह भी होता है, यह भी होता है, लेकिन पेज व्यू नहीं होता है, पेज व्यू नहीं होता है, रीडिंग व्यू होता है, ठीक है। ए आंसर इसका सही होगा 32 का, अब इसमें सही यही होगा, कुछ लोग ये ना सोच रहे ना इसको गलत किए हैं। टू एड हेडर फूटर इन ए हैंड आउट, हैंड आउट में जाकर हेडर फूटर एड करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्यू में जाओ पेज सेटअप करो, व्यू में जाओ हेडर फूटर करो, व्यू में जाओ हैंड आउट मास्टर में जाओ, क्या होगा इसका सही जवाब। जब हैंडआउट में आपको हेडर फुटर लगाना है तो आप व्यू में जाओगे और हैंडआउट मास्टर में जाओगे। अच्छा हैंडआउट मास्टर जब करते हो तो कुछ आपको ऐसा दिखता है पेज, ठीक है, और ऊपर ऐसे हेडर फुटर टाइप का दिखेगा, तो आपसे पूछता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हैंडआउट टूल में, हैंडआउट मास्टर में आपके कितने स्लाइड होते हैं बताओ, बाय डिफॉल्ट हैंडआउट में कितने स्लाइड होते हैं, कोई बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ। जब व्यू में जाना और हैंडआउट में क्लिक करो, हैंडआउट मास्टर करके उस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इधर ऐसे कुछ बन के आ जाता है, इस ऐसे इधर बन के आ जाता है, ठीक है, और एक आपका ऐसे बन के आता है, और यहां पर आपके स्लाइड ऐसे होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक पेज पर आपके 6 स्लाइड होगी। एक पेज पर मैक्सिमम कितनी स्लाइड हो सकती हैं, मैक्सिमम पूछता है, यह तो डिफॉल्ट हो गया, मैक्सिमम 9 हो सकती हैं बच्चों, कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, अरे होगा इससे कैसे नहीं होगा, हैंडआउट मास्टर नहीं है, वर्ड का नहीं है, पावर पॉइंट है, ये मिक्स है, ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में होता है हैंडआउट मास्टर, हैंडआउट मास्टर पावर पॉइंट में होता है, तुम लोग वर्ड खोलोगे तो कहां दिखेगा। सी आंसर करेक्ट होगा इसका, टू एड हेडर फुटर, अच्छा सेम क्वेश्चन हो गया है। होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड रोटेट द इमेज विल रोटेट इन इंक्रीमेंट ऑफ, ठीक है, अगर आप शिफ्ट की को होल्ड करते हो और इमेज को रोटेट करते हो तो कितने से इंक्रीमेंट रोटेट करेगा वो, हाँ मैक्सिमम 9 होगा, बाय डिफॉल्ट 6 होगा, उस पर आता है स्लाइड पर पेज, तो स्लाइड पर पेज बाय डिफॉल्ट 6 होता है, आप मैक्सिमम 9 तक ले जा सकते हो, मिनिमम आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, हाँ बहुत बढ़िया। 15 जो दे रहा है आशीष जी, 15 डिग्री दे रहे हैं, एकदम जबरदस्त आंसर है, बी आपका सही जवाब होगा। अब बोला पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट आर स्टोर इन ए फाइल विद दिस एक्सटेंशन, अगर पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट को आपको स्टोर करना है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा,
अब ये कैसे करोगे? गलत जवाब, एक्सटेंशन की बात कर रहा है, वो भी डिजाइन टेम्पलेट की बात कर रहा है। ठीक है, अभी हम तुम लोगों को प्रैक्टिकल बताते हैं। जब आप उसको क्या करोगे, सेवेस करोगे ना, किसी भी स्लाइड को, कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सेवेस करोगे, तो आपसे वहां पे मांगता है क्या कि आप किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो फाइल। वहां पे प्रेजेंटेशन 1970 से लेकर 2003 का भी एक्सटेंशन होता है, एक्सपीएस डेवलपमेंट भी होता है, और पावर पॉइंट टेम्पलेट का भी एक एक्सटेंशन होता है। तो जब पावर पॉइंट टेम्पलेट पे कर दोगे, जब सेव में जाते हो वहां नाम लिखते हो, और यहां पे आता ना किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो वहां आप जाना, चूज करना पावर पॉइंट टेम्पलेट, और वहां तो एक्सटेंशन नहीं दिखाएगा, लेकिन जब उस फाइल को सेव कर लोगे और उसके प्रॉपर्टी में जब जाके देखोगे, तो वो आपको किस नाम से दिखाएगा, पीपीटी नहीं, डीपीटी भी नहीं होगा भाई साहब, वो आपके डॉट पीओटी के नाम से दिखाएगा। ठीक है, और पीपीटी तो आता है 1997 से लेकर 2003 के वर्जन वाला, उसमें अगर सेव कर दिए तो ये आपका आ जाएगा। उसमें कई आपके हैं, जितने हैं उनका सब में सेव करके एक्सटेंशन देख लेना, मेन मेन। अब आ जाओ, स्लाइड सॉर्टर ऑफ ए पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन, जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है वो आपका किस में होता है। स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या होता है ना बच्चों, ये आपका जो विंडो है आपका, इसी पर ही आपकी पूरी स्लाइड अरेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, जितनी भी स्लाइडें हैं वो उसमें, कितना भी आपकी स्लाइड हो, सब कुछ आपको एक ही पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहां क्या आंसर दोगे, जल्दी से बताओ, किस में होता है स्लाइड सॉर्टर। व्यू, बहुत बढ़िया, व्यू में होता है स्लाइड सॉर्टर, एकदम सही आंसर दियो। अगला प्रश्न है, हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो, स्लाइड शो को कैसे स्टॉप कर सकते हो, प्रेस द राइट एरो, प्रेस स्केप, प्रेस द लेफ्ट एरो। तो आप सिंपल सी बात है कि स्केप वाला हम बटन दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। अगला जल्दी से प्रश्न, चार्ट कैन बी पुट एज ए पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन यूजिंग, इंसर्ट में जाओ, चार्ट में जाओ, किस में करोगे, या पिक्चर में जाओगे फिर चार्ट करोगे, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओगे तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, वहां चार्ट नहीं कर सकते हो, आप सीधे इंसर्ट में जाओ, चार्ट वाले सेक्शन में जाओ, चार्ट को इंसर्ट कर लो, बी आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एलिप्स मोशन इज ए प्री डिफाइंड, एलिप्स मोशन क्या है आपका, एलिप्स मोशन मतलब एलिप्स की तरह मोशन करेगा, ऐसे ऐसे मोशंस करेगा कोई भी चीज, तो वो मोशन जो है वो एक प्रकार का एनिमेशन है, किसी टेक्स्ट पे हम लगा सकते हैं कि टेक्स्ट रोटेट करे, ऐसे 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 घूमे एलिप्स के पाथ में, तो उसको एनिमेशन कहा जाता है। आ जाओ, अगला है, टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन द करेंट प्रेजेंटेशन, नई स्लाइड ऐड करना हो तो क्या कहोगे, कंट्रोल एम से करते हैं, ये भी डिस्कस कर दिया था, नया प्रेजेंटेशन खोलना हो तो कंट्रोल एम से होगा। अगला प्रश्न है कि विच टूल इज यूज टू रिकॉर्ड ए प्रेजेंटेशन स्क्रीन, प्रेजेंटेशन जो बना रहे हो पूरे इसको रिकॉर्ड करने के लिए, टू डिमोन्स्ट्रेट ए प्रोसेस एज ए पार्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कहां किस पे हम जाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्लाइड रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, या प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग, किस पे करोगे, पूरा प्रेजेंटेशन अगर आपको रिकॉर्ड करना हो तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, डी होगा। चलो क्या बोल रहे हैं सब, प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके करोगे, वहां पे आपका ऑप्शन आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उससे आप पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड ए प्रेजेंटेशन स्क्रीन टू डिमोन्स्ट्रेट ए प्रोसेस ए पार्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू, ऑप्शन इन ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट,
कौन सा इसमें से वैलिड मास्टर व्यू नहीं है? नोट्स मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर या हैंडआउट मास्टर? आप इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है। नोट्स मास्टर नहीं। यहां बोल रहे आपसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो आउटलाइन जो मास्टर होता है ये मास्टर व्यू नहीं होता है, आउटलाइन व्यू होता है, आउटलाइन मास्टर व्यू नहीं होता है। 2010 व्हेन यू क्रिएट ए फर्स्ट प्रेजेंटेशन फाइल इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम? डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? स्लाइड वन। अच्छा, कुछ भी अपने मन से कुछ भी बोल दे रहे हो तुम लोग। कुछ कह रहे हैं बच्चे नोट्स मास्टर नहीं होता, होता है भाई हैंड मास्टर, नोट्स मास्टर, ठीक है, सिर्फ आउटलाइन मास्टर नहीं होता है उसमें। जाके देखना जहां मास्टर टूल है व्यू वाले में। पावर पॉइंट वन होगा, क्या होगा? प्रेजेंटेशन वन के नाम से फाइल होती है। किस नाम से होती है? प्रेजेंटेशन वन के नाम से होती है। प्रेजेंटेशन वन के नाम से फाइल होगी। इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर, थीम्स किस में फाउंड होता है? तो आपका डिजाइन टैब होता है। किसमें? डिजाइन टैब। ये डिजाइन टैब आपका 2007 के बाद ही आया है। बुक वन एक्सेल में होता है, डिजाइन टैब होगा इसका। बी आंसर करेक्ट होगा। एक्सटेंशन कैन बी यूज टू सेव अ स्लाइड वेयर वन कैन जस्ट नीड टू व्यू द प्रेजेंटेशन एंड कैन नॉट डू एनी एडिटिंग। कहने का मतलब यह है कि वो पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा जिसको अगर हम एक बार सेव कर लें तो सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो वो भी आपका जब सेव करने जाओगे तो वहां पे आपका ऑप्शन होता है, जब आप सेव करोगे ना फाइल का, तो किस मोड में सेव करोगे कि सिर्फ व्यू एज देख सकते हो, उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। एडिट करने के लिए डबल क्लिक करोगे तब वो एडिट मोड में जाएगा। वो कौन सा आपका होगा एक्सटेंशन? चलो इसमें करके देखना। एक आता है पावर पॉइंट, जब उसमें आपका ड्रॉप डाउन वाला आएगा ना सेव इज, तो उसमें एक है पावर पॉइंट शो के नाम से। सिर्फ इसमें आप फाइल सेव करना। पावर पॉइंट शो का मतलब सिर्फ आपको वो प्रेजेंटेशन शो होगा, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो उसका जब एक्सटेंशन देखना हो तो उस फाइल को जब सेव कर लेना तो उसकी प्रॉपर्टी में जाना। उस फाइल का एक्सटेंशन होता है p.ppsx .pptx। तो ये आपका सिंपल हो गया। ये 2007 के बाद से जितने भी वर्जन आ रहे हैं उसमें पावर पॉइंट आपको अगर सेव करना हो, पावर पॉइंट जो सेव करते हो उसको ओपन करते हो तो उसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन ये फाइल जब ओपन करोगे तो एडिटेबल मोड में नहीं रहेगा वो, तो होगा वो PPSX के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो वही मैंने कहा जब साना और वहां पे चूज करना किस मोड में करना चाहते हो, सेव पावर पॉइंट शो के मोड में, तो ये हो जाएगा। और ये 2097 से लेकर 2003 का एक्सटेंशन है। और ये जो है मैक्रो इनेबल है। मैंने बताया था ना पावर पॉइंट को अगर आपको मैक्रो इनेबल आपको सेव करना है तो PPTM होगा, ये मैक्रो इनेबल हो जाएगा, जैसे डॉक DOCMM था उसमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 सो ए थंबनेल ऑफ आवर स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन टू इजिली रीअरेंज। जितने भी आपके थंबनेल हैं स्लाइड के वो इजिली अरेंज हो जाते हैं किस व्यू में। अब वहां वर्जन लिख दिया 2016 कोई मतलब नहीं, सात के बाद सब में वही होता है, वो है स्लाइड शॉर्टर व्यू जैसे, मतलब जितने भी स्लाइड है सब एक साथ आपके अरेंज दिखेंगे। हाँ आ जाओ अगला 48। अलाउ यू टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपका इस समय नहीं है, 2003 में होता था। ये बोलता है कि 97 से लेकर 2003 वाले में ये पाया जाता था। इसको कहा जाता था टास्क पेन। टास्क पेन में क्या होता था, राइट साइड में 2003 में यहां गेटिंग रेडी करके आता था राइट साइड में, आपके जो यहां पे आपका है प्रेजेंटेशन वाला जहां से शुरू होता है स्लाइड है, तो यहीं पे गेटिंग रेडी करके आता था। यहां से आप क्या कर सकते हो कि टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो आपका प्रेजेंटेशन खुला हुआ है उसी में ही आप नया एक प्रेजेंटेशन खोल सकते हो वहां के हेल्प से। तो उसको क्या कहा जाता है, टास्क पेन कहा जाता है। ये 2003 में आपको देखने को मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, जैसे प्रेसिंग कंट्रोल एन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एड ए न्यू स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन। नहीं, कंट्रोल एन से स्लाइड नहीं आपका ऐड होता है। प्रेजेंटेशन कैन बी सेव एज ए पीडीएफ इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। क्या आप पीडीएफ फॉर्म में हम प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, एकदम वहां पे होता है। मैंने कहा ना जब आप सेव एज करोगे तो वहां ड्रॉप डाउन आता है, तो किसी भी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो तो सेव कर सकते हो। 2016 वर्जन मतलब पीडीएफ का जो सेव करने का वर्जन आया, चाहे वर्ड में आया चाहे आपके किसी में, वो 2010 से आया कि आप वर्ड की फाइल को भी पीडीएफ में डायरेक्ट वहीं से सेव कर सकते हो, एक्सेल को भी पीडीएफ में सेव कर सकते हो, पावर पॉइंट को भी। तो ये 2007 में नहीं था, ये 2010 से फीचर आया था। तो ये तो आपके फाइल को सेव करने का फीचर आया था। तो सिर्फ सेकेंड ट्रू होगा, पहला फॉल्स होगा। ओनली फर्स्ट फॉल्स एंड ओनली सेकेंड फॉल्स, बोथ फॉल्स, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। आपसे पूछा क्या है, अच्छा कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है। पहला क्या है आपका, इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर, ये देखो, बोला है टू फ्रीज द टॉप रो इन एक्सेल वाइल स्क्रोलिंग द टेक्स्ट, द ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द व्यू टैब इन एमएस एक्सेल अंडर द विंडो सेक्शन इन द फ्रीज पेन ऑप्शन आर। ठीक है, वहां पे एक फ्रिज पेन ऑप्शन होता है, वहां से अगर आप किसी भी टॉप रो को, जैसे मान लो क्या होता है कि आप टॉप रो है आपका ये, ठीक है, कई चीजें यहां पर लिखे हो और वो आपको जब पूरा यहां पे आ गए तो जब स्क्रॉल किए तो वो ढक जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो दिखेगा नहीं कि कौन सा यहां पे क्या है, आपका प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी है, यहां पे कितना आपकी सेलिंग हुई है, वो सब दिखेगा नहीं, तो आप डेटा कैसे चढ़ाओगे। तो उसको फ्रीज करना पड़ता है। तो फ्रीज करने के लिए आप फ्रीज पैन में जाओगे और वहां पे क्या चूज कर लोगे, फ्रीज फर्स्ट रो। फ्रीज आप क्या कर चूज कर लोगे, फ्रीज फर्स्ट रो आप चूज कर लोगे, तो आपका ये रो जो है वो फ्रीज हो जाएगा। तो जब आप स्क्रॉल करोगे कितना भी करते चले जाओ तो वो आपके अपने जगह पर रहेगा, आप जान दोगे कि हाँ इस डेटा में क्या रखना है, इसमें क्या रखना है। टॉप रो, हाँ टॉप रो होगा, टॉप रो। टॉप रो होगा, फर्स्ट नहीं, टॉप रो कर लो इसको, फर्स्ट रो नहीं टॉप रो कर लो, बी होगा। टॉप रो को फिक्स्ड क्या करेंगे, फ्रिज कर देंगे। चलिए तो ये समाप्त हो गया आपका। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, कल हम लोग मिक्स क्वेश्चन को करेंगे। दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।